निकालना बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने ये निकालना है। अब इसको भी देख लेते हैं इसका क्या आएगा। इसका आपने वो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ठीक है, इससे हमारा बाद में काम पड़ेगा क्योंकि इसका सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये बिल्कुल उसी फार्मूला से उसी तरीका से आपने निकालना है, फार्मूला लिखना है, यही फार्मूला लिखना है इस तरफ ठीक है। हमें ये डेटा क्या क्या चाहिए, इसमें भी एफ एक्स बार स्क्वेयर चाहिए बस, सिर्फ एक बार। देखिए कितना छोटा सा डेटा, अगर आप एक्सपेक्टेशन से करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज में आप में से गलती हो जाएगी ठीक है, बेटर यही है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज से कर रहे हैं तो उससे भी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करवा दूंगा, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये हमें चाहिए स्केयर, हमारे पास एफ एक्स बार है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बार से हमारे पास स्केयर बनता आएगा यहाँ पर नीचे आ जाए ठीक है। 6 से किया 18 आ गया, 8 को 4 से किया 32 आ गया, 10 को 5 से किया 50 आ गया। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है 100 ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 100 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, ये हमारा 6 माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स बार। ये फार्मूला बिल्कुल यही मैं इधर कर रहा हूँ, इस पे वर्क कर रहा हूँ। 24 डिवाइड बाय 6 स्क्वेयर, इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे, 100 को 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, ये आ रहा मेरे पास 16.67 माइनस, एंड 64 को इस पे करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 4 का स्क्वेयर आ जाएगा 16 ठीक है जी। इसको कर लें, 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वेयर लेंगे 16 आ जाएगा। अब इसको माइनस करके आपने नीचे लिख लेना है, मैं इसको यहाँ पर ही लिख लेता हूँ ठीक है, सामने ही मैं लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है। ये मेरे पास आ जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं 16 में से, तो ये आ जाएगा 0.67। अब हमने इसको वेरीफाई करना है इन रिजल्ट से, यहाँ तक हो जाएगा ना। हमने मीन निकाला, मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, एफ कैसे निकाला आपको सबको पता चल गया होगा। अब हमने इनको वेरीफाई करना, हमें ये सारा डेटा यहाँ पर अब नहीं चाहिए, विद आउट और विद का हम डेटा ठीक है जी, ये हमें यहाँ पर अब नहीं चाहिए। हम रिजल्ट्स बस लास्ट हमारा काम जो था वही करने लगे। मीन तो आपने इजीली वेरीफाई कर देना, काम है स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड एरर को, या वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार को आपने हैंडल करना, मेन काम आपका ये है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये किसके इक्वल है, ये किसके, देखिए फार्मूला दोनों के सेम है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन है, ये भी सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन है। अब फर्क क्या आएगा, आपको मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में, इसी वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये क्या होता है हमारे पास, जब आपने विदाउट रिप्लेसमेंट से करना है। यहाँ पर मैंने पहले भी लिखा हुआ था, आपने पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना, वो क्या होता है, कैपिटल एन माइनस एन डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस वन, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस वन ठीक है, ये अप्लाई करना, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारा सेम रहेगा। देखते हैं, हम चेक करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन निकाला वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। सिग्मा स्क्वायर क्या है हमारा, पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर ये था 2.67 डिवाइड बाय एन, एन कितना है, एन 2 है, और जो वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है वो कितना है, 1.33 आया, यहाँ पर हमने निकाला था। अभी इसको डिवाइड करके देख लें, 1.33 दोनों साइडों पे आना चाहिए। 2.67 डिवाइड बाय 2 ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 1.33 ठीक है, 2 डिजिट तक
इतना ही आ रहा है। यहाँ तक हो गया क्लियर? थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम फिक्स करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस रह ही जाता है। हमारे पास प्रॉपर जो आना चाहिए वो उसी वक्त आता है जब आप लोग फिक्स नहीं करते कैलकुलेटर को, उस वक्त ज़्यादा प्रॉपर आता है। अब अगर आप लोग तो इसे डायरेक्ट लिख लेंगे 1.335 आ जाएगा, आता है तो चेकर भी कहेगा कि इसको पता ही नहीं, चांस ही नहीं है। ठीक है, आपने कंप्लीट लिखना है। अगर 2 डिजिट तक फिक्स है आपका 1.34 आ रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आ ही जाता है फिक्स करने की वजह से, तो आपने सिंपल 1.33 ही लिख देना है। ठीक है, ये बेटर है। अब बात कर लेते हैं विदआउट रिप्लेसमेंट से, ये भी इसी तरह से करना, बस वैल्यूज पुट करनी है, कोई काम नहीं है। इसका कितना है हमारे पास मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार 0.67, ये आ जाएगा आपके पास। सिग्मा स्क्वायर कितना है, ये पॉपुलेशन का वो रहा 2.67 डिवाइड बाय एन, एन कितना है 2, एंड कैपिटल एन कितना है 3 माइनस 2, स्मॉल एन 2 है ना, 3 माइनस 1 जाएगा 2.67 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इतना सा तो मैथ कर ही लेते हैं ना, आप में से सारे स्टूडेंट ही कर लेंगे। सॉरी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ये वन खत्म भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये इतना ही रहना है ना, 2.67 डिवाइड 2 करें फिर डिवाइड 2 कर दें, इससे अच्छा है कि आप 4 पे ही डिवाइड कर दें। ठीक है, 2.67 ये नीचे वाले को आपस में होता है मल्टीप्लाई, 2 2 था 4 होते हैं, डिवाइड मैं इसको 4 पे ही कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 0.67 या 667 आ रहा है। आप 2 डिजिट तक करेंगे 0.67 ही आएगा, ये भी 67 हो रहा है, हम कहेंगे ये भी वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है। अभी मैंने ये दोनों तरीकों से किया, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट से, आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्म में आएगा कि आपने विद रिप्लेसमेंट करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा, ये रिजल्ट्स क्लियर होने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जो हमने कॉलम बनाया है लास्ट वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, 11.4 एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने ये कॉलम बनाया था, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसमें यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वगैरह नहीं निकालना, सिर्फ इसका मीन ही निकालना है। इसका मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार मीन के इक्वल आएगा, वो भी हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, वो हमारा वेरीफाइड है। अब बात आ जाती है वेरियंस, वेरियंस क्या होता है। अब पहले था मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस था, ये हमारा डेटा था इधर वाला विदाउट विद रिप्लेसमेंट वाला, और वो था विदाउट वाला। जो मीन के लिए पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका जो वेरियंस है उसके लिए करेक्शन फैक्टर चलता है कैपिटल एन माइनस एन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस वन, फर्क इसका ही रहना है। अब जो मीन है इसके लिए भी एक पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर होता है, और वो होता है कैपिटल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस वन। ठीक है, ये होता है। अब हमने इसको यूज करना है, सिर्फ ये इसके 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से भी 7th वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये आपको पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर भी आने चाहिए। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमें पेपर में नीचे लिखा ही मिल जाएगा तो हमें याद करने की क्या ज़रूरत है। मोस्टली आपको पेपर में ये नहीं देते, ये फार्मूलाज नहीं देते, आपको खुद वेरीफाई करने पड़ते हैं, खुद याद रखने पड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। बाद में पेपर में ढूंढते रहिएगा, पेपर में नहीं मिलेंगे। ये होता है आपके पास एन माइनस वन डिवाइड बाय एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है जी, और ये भी इसी तरह होता है, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको आता ही होगा।
मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी फॉर्मूला इधर भी सेम यही रहना है। ये देखिए n माइनस वन डिवाइड बाई एन सिग्मा स्क्वायर, यही फार्मूला रहना है। लेकिन इधर चेंज क्या है, वही पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर क्या आनी है जो हर जगह आती रही है, आई है विदाउट रिप्लेसमेंट में लाजमी आती है। और ये पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर मीन वाला यूज़ करना है, सिर्फ ये चार क्वेश्चन के लिए एक अलग पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है, इसमें फ़र्क कोई नहीं, वही है, सिर्फ फ़र्क कितना है। ये था हमारा कैपिटल एन माइनस एन डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस वन था, इसमें सिर्फ ये नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। ये मीन का पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है और ये सिर्फ और सिर्फ वेरियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस, इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पहले वेरियंस निकालना है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी इसका पहले वेरियंस निकाल लेते हैं, फिर इस फार्मूला को छेड़ेंगे। वेरियंस की डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, इसमें क्या क्या है, वन है और फोर है। ठीक है जी, वन है और फोर है। वन कितनी बार रिपीट हुआ, एक दो तीन चार, चार मरतबा रिपीट हुआ है, और फोर दो मरतबा, ये भी सिक्स आ रहा है। और ये आपको ये भी बता दूं, ये हमेशा सैम्पल साइज ही आएगा, एफ जब भी आएगा जिस लिहाज से भी आपने निकालना है वो सैम्पल साइज के इक्वल ही आना चाहिए। यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये जो हमने विद रिप्लेसमेंट से निकाली थी, उस डेटा से निकाली थी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है, ज़ीरो है, वन है और फोर है, ज़ीरो वन एंड फोर। ठीक है, और ये देख लेते हैं रिपीट कितना हुआ, ज़ीरो हुआ एक दो तीन बार, वन हुआ एक दो तीन चार बार, फोर हुआ एक दो बार। कैलकुलेट करें, थ्री फोर सेवन एंड प्लस टू नाइन, ये भी नाइन आ रहा है। अब मे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर मैंने नाइन लिखा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमने सिर्फ इसका मीन ही निकालना है ना। मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मीन के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम चाहिए, एफ एस स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है जी, इधर भी हमें वही फार्मूला इधर भी अप्लाई करना है, एफ एस स्क्वायर का कॉलम हमें चाहिए बस। एस स्क्वायर का कॉलम आपने ये याद रखना है, ये एस स्क्वायर का कॉलम है जो हमने बनाया है, ये ऑलरेडी है। ये ना हो कि इसका एक बार फिर स्क्वायर लेते फिर हैं, हमें ये कॉलम चाहिए, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन को फोर से गया वन, फोर आ गया, फोर को टू से गया एट आ गया। इसी तरह ये देखें, जीरो को थ्री से करेंगे जीरो आएगा, वन को फोर से करेंगे फोर आएगा, फोर को टू से करेंगे एट आएगा। ठीक है जी, अब इस सारे को ऐड कर लेते हैं, फोर एट आएगा ट्वेल्व, यहाँ पर मैंने ट्वेल्व लिखा है, फोर प्लस एट ये भी ट्वेल्व आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ हो गया क्लियर। अब यही फार्मूला इधर अप्लाई करना, यही हमें चाहिए चीज़ें, एफ एस स्क्वायर कितना है, ट्वेल्व है, और ये कितना है, समीशन ऑफ एफ सिक्स है, ट्वेल्व को सिक्स पे डिवाइड किया तो टू आ गया। इसका मीन कितना है, टू, और इसका भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। इसका क्या आएगा आपके पास, एफ एस स्क्वायर मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस। देखिए आपने जब भी मीन निकाला है, मीन क्या होता है, ये होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। बेसिकली यहाँ पर एक्स होता है, एक्स इंडेक्स है जो कि हम नहीं लिखते, मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही आपको इंडेक्स क्लियर कर दिया था। अब अगर यहाँ पर एक्स बार था जब हमने यूज़ किया कैपिटल एन पे डिवाइड करना है, ठीक है जी, और जब ये आपका ग्रुप डेटा हो तो आपने क्या करना है, जब ग्रुप डेटा हो तो आपको पता है डिवाइड बाय समीशन ऑफ एक्स, जब एक्स बार का होगा तो आपने यहाँ पर एक्स बार यूज़ करना है, जब आपका यहाँ पर एस होगा तो
एफ एस से यूज करना है, जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर डालना, यही सारी चेंजेस आपने लानी है इसमें। अब आपका एस वाला तो नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है आपका 11th में, ठीक है, और ये शामिल है आपका 3rd ईयर 4th ईयर में। अब आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है, एफ एस स्क्वायर कितना है, 12 है, डिवाइड बाय 9 है, 12 को 9 पे डिवाइड कर लें, आपका आ जाएगा ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, ये देखें, ठीक है जी। और इसका देख लेते हैं, 12 को 6 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम इसको प्रूव ही करना है, तो इस डेटा को हम रेयर कर देते हैं। ठीक है, प्रूव यही करना है ना हमने, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस जो है वो होता है हमारे पास n-1 डिवाइड बाय n सिग्मा स्क्वायर के, और ये लिखा हुआ है, ये कितना आया था, 1.33। इसको प्रूव कर लेते हैं, n कितना, स्मॉल n है हमारा 2-1 डिवाइड बाय 2 इंटू वेरिएंस कितना है आपका 2.67। 2 में से 1 माइनस किया, 1 रहेगा, 1/2 इंटू 2.67, 1.33। अब इसको आप खुद ही कर लें, इसको 2.67 को मल्टीप्लाई कर लें 1 से, डिवाइड 2 पे करेंगे तो 1.3 ही आएगा, ये भी 1.3, ये भी वेरीफाइड हो गया है हमारा। उसके लिए आपने उसकी पॉपुलेशन ही यूज़ करनी है, मैंने जो तो ये सिंपल पॉपुलेशन यूज़ किया ताकि इजीली हम सॉल्व कर लें और आपको पता चल जाए, क्योंकि अगर मैं बड़ी पॉपुलेशन यूज़ करूँ वो भी मैं कर लूँगा, मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर इतना छोटा छोटा लिखने से आपको समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी पॉपुलेशन कोई भी यूज़ कर ली है। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें वैसे वैल्यूज पुट करते हैं, इसका क्या आंसर आया, हमारे पास 2 आया, यहाँ एन है हमारा 2-1 डिवाइड बाई 2 इंटू वेरियंस है आपका 2.67, और कैपिटल एन है आपका 3 डिवाइड बाई 3-1, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा 2.67, और ये आएगा आपके पास 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। ये सारे को सॉल्व कर लें, 3 को दिले मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.67 एंड डिवाइड कर लें इसको, 4 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही हो जाएगा ना, इसको भी देनी है ना नीचे आपस में, ऊपर वाले को आपस में सारे को मल्टीप्लाई कर लें, नीचे को आपस में कर लें, देख लें ये, इसीलिए आप खुद ही कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है ना, 4 पे इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली, तो मेरा आ रहा है 2 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बेटर यही है कि पूरा पूरा खुद ही लिख लें, क्योंकि पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहना है, यहाँ 3rd डिजिट तक कोई छोटा मोटा डिफरेंस रहेगा, ये इस वजह से रहता है कि आपका जो फिक्सिंग पॉइंट है उसकी वजह से। अब हमारे दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो चुके हैं, ये एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन भी मैंने कर दिए हैं। अब बात आ जाती है टू पॉपुलेशन की, टू पॉपुलेशन का डेटा भी आपने इसी तरह रखना है, उसमें ये है कि एक पॉपुलेशन को अलग से करना, दूसरी को अलग से करना है, उसका हम एक ही कंसेप्ट में सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, देखें आपका जो 10.2 एक्सरसाइज है, 11.2 एक्सरसाइज है, इसके स्टार्ट से लेकर एंड तक, 5th का 4th का बी पार्ट तो कभी नहीं आपको पेपर में आएगा, इसको क्रॉस ही कर ले तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसके 60 सैंपल बनेंगे, अगर ये आ भी जाए तो ये अकेला ही क्वेश्चन आएगा, और इसको करते करते आपका बहुत टाइम कंजप्शन होगी। अब कर लेते हैं बात 5 का ए पार्ट, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कर सकते हैं, देखिए इसमें वही फार्मूलाज होंगे जो आपने किए हैं ऑलरेडी, ठीक
आपने थर्ड पार्ट में की है। टिप्स एंड ट्रिक्स के थर्ड पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उसे आप लाजमी देख लें क्लिक करके ना। अब ये है आपके पास फर्स्ट ही है, इसमें कहता है कि मेन आपका 50 है, वेरियस जो है वो फिफ्टी है और वेरियंस है आपका, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन एंड वेरियंस बार द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये आपने मीन फाइंड आउट करना है ये, और ये फाइंड आउट करना है वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यही ठीक है ना? ठीक है, ये फाइंड आउट करना। देखिए इसका हर जगह मीन जो है वो 50 रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी का पता है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार किसके इक्वल है, ऑलवेज इक्वल टू मीन, ये हमें पता है, हर जगह ये सेम ही रहेगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगी थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगा, उसके बाद ये जो है ये चेंजिंग होती रहेगी, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है समीशन ऑफ डिवाइड बाय एन होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसका स्केयर ये फाइंड आउट करना है, ये 250 है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब एन हमारा 25 होगा 25 पे डिवाइड कर देना है, जब सेकंड टाइम आपका एन है 100, 250 को 100 पे डिवाइड कर देना, जब आपका एन आपका है जी 1250 तो 1250 पे डिवाइड कर देना। इतनी सी बात है, ये तो कर लेंगे ना, खुद ही कर लेंगे। अलाइन नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 50 बार सिलेक्टेड एट रैंडम, ये मैं पाँचवें का ए पार्ट कर रहा हूँ, 11.2 एक्सरसाइज का। बी पार्ट है इसका साइज 50 एवर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरियंस, द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन आपको दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर देखना है। अब वही बात जो मैंने वीडियो स्टार्ट में ही बता दी थी, ये है रिस्पेक्टिवली 4 है। ये आपका 2500, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन, मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन ये फाइंड आउट करना है। वेरियंस फाइंड आउट करना है। अब ये क्या होगा, ये आपको पता है, जब ये 2500 है ये भी 2500 ही आएगा। ठीक है, इजीली आप इसको देखते ही कह सकते हैं। सॉरी, अब आपने नेक्स्ट इसका निकालना है वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन ये वही फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उसने कहा वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस में ये भी तो हमें वेरिएंस ही चाहिए ना, वेरिएंस में क्या होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका सबसे पहले वेरियंस बनाते हैं, यानी कि इसका स्केयर लेंगे, स्केयर लेते हैं, इसका स्केयर लेंगे, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आएगा। सिंपल, मैंने एक जगह ही कर लिया, आप सेकंड स्टेप में करेंगे। अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है समीशन स्केयर डिवाइड बाय एन के। ठीक है, सिग्मा स्केयर डिवाइड बाय एन के होता है, हमें सिग्मा स्केयर ही फाइंड आउट करना है। सिग्मा स्केयर ऐसे लिख लेंगे, एन कितना है, एन उसने खुद ही दे दिया आपको स्टार्ट में ही, 50 है साइज, ये कितना है, ये 16 है। वेरी सिंपल, 50 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा। मैं इसी स्टेप में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में आना है। 50 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट 800 ही बनेगा। क्या जी, इसको कर लेंगे सॉल्व खुद ही, इसको रेज कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है 6 का ए पार्ट, पॉपुलेशन इनफाइनाइट फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं, इससे आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बात वही सेम ही है। 55 है द वेरियंस ऑफ सैंपल मीन, इज सैंपल मीन का वेरियंस जो है वो 27 है, स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। अब कहता है कि एन अगर आपका ये है 55 है, व्हाट मस्ट बी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। साथ आपको उसने ये भी दे दिया है द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये है। ठीक है जी, अब इसको यूज करते हुए सबसे पहले तो हमें ये पॉपुलेशन तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। देखिए इसको यूज करते हुए पॉपुलेशन तो सेम है, पॉपुलेशन है उसका डेटा ले रहा है,
अगर उसका N55 था तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये था। अब आप इसका अगर पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल लेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस तो टोटल पॉपुलेशन का ही होता है ना, वो पहले निकाल लेते हैं। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये किसके इक्वल होता है, समेशन सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन के इक्वल होता है। सिग्मा स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, एन कितना है हमारा 25 है, ये है सिग्मा स्क्वायर कितना 27 है। 55 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले जाकर, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये आ गया। अब उसने कहा कि स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, ये आप फाइंड आउट करें जब आपका एन जो है वो कितना क्या है 165 है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है आपके पास सिग्मा डिवाइड बाय एन रूट, ठीक है जी। अब ये, अब आपने ये तो फार्मूला पढ़ा होगा सिग्मा स्क्वेयर, ये होता था सिग्मा स्क्वेयर डिवाइड बाय एन के। अब दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट ले लें, तो इसका लिया तो स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इसका लिया तो इसका भी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इसका लेंगे तो स्क्वेयर रूट रहेगा, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है। ये आप फार्मूला खुद ही से बना सकते हैं। इसका पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, पहले आपको वेरिएंस ही दिया गया था ना, ये भी क्लियर कर लें, ठीक है जी। वेरिएंस था, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट लेकर निकाल लें। स्क्वायर रूट लेंगे, ये मेरा आ रहा 38.54 आ रहा है, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन आ गया था। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आ गया, यही था मैं रिक्वायर्ड, बन गया है अब, ठीक है जी। अब आप इसको क्लियरली कर लेंगे खुद ही, मुझे उम्मीद है। इसे करना नहीं है तो वो बाद की बात है, उम्मीद मैं यही करता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना एक एक दो दो घंटे खड़े होके आपके सामने, तो आप भी कर सकते। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है, जी वही बात, पॉपुलेशन साइज इतना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ये है, व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ द सैंपल बिकम्स इफ द स्टैंडर्ड एरर इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1.2। इसे आप खुद ही कर लें तो बेटर होगा। देखिए एन अगर 36 है, फिर कहता है स्टैंडर्ड एरर जो है वो ये है, इसको यूज करते पहले तो पॉपुलेशन निकाल लें, पॉपुलेशन का ही हमें उससे ही वास्ता पड़ता है। ये किसके होता है, पॉपुलेशन के इक्वल होता है डिवाइड बाय एन, इसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन का निकालना है ये एन का स्क्वायर रूट लेंगे, 36 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा +2, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा, 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, मस्ट बी द साइज ऑफ द सैंपल बिकम, सैंपल क्या होगा जब आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो हो जाए 1.2। अब आप खुद ही पॉइंट आउट कर लें, जब ये इतना हो जाए अकॉर्डिंग टू फार्मूला एन, आपने फाइंड आउट करना है ये क्या है हमारा 1.2, उसने कह दिया कर लें, ठीक है। पॉपुलेशन तो हमेशा सेम ही रहनी है ना, सैंपल आपका चेंज होता रहेगा, पॉपुलेशन हमेशा सेम ही रहेगी। पॉपुलेशन कितनी है आपकी, पॉपुलेशन साइज है आपका, सॉरी पॉपुलेशन है ये 12, और ये आ जाएगा यहाँ पर एन, फाइंड आउट करना है। अब एक तो तरीका ये, आप इसको डायरेक्ट ले जाए इधर,
दूसरा तरीका ये है इसको लेके इधर जाती है उलट करने, लेकिन तीसरा तरीका जो बेटर है वही मैं करूँगा मेंशन, क्योंकि मैंने समझता कि हर एक जो मैथ का स्टूडेंट है वही मुझे देख रहा है, बल्कि हर तरह के स्टूडेंट देख रहे हैं, और जो आईटी रखी हुई है जिन स्टूडेंट ने सात स्टेट्स रखी हुई है यानी कि मैथ नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स और स्टेट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी मेरा यानी कि एक ही व्यू होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ना करें, आप सिंपल हल्का सा इसको लेकर चलें, यहाँ से उठाएंगे इसको, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 1.2, 12 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका, ठीक है जी। अब हमें चाहिए एन, एन कैसे लेंगे, दोनों साइडों से स्केल ले लें, मुरब्बा ले लें, इसका मुरब्बा लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस के रूट, इसका लेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है थोड़ा सा ये देखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी लगेगा आपको, और जब भी एक्सपेक्टेशन करेंगे इसको, फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है जी, और ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, 0.2 है, ये 0.4 है, ठीक है जी। अब इस सारे को पहले जब भी प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले उसको सम करके देखें, प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होनी चाहिए, उसके बाद सॉल्व करें, ये 2 प्लस 4 प्लस 3 और ये 1, ठीक है, मेरे पास तो ये 1 ही बन रही है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। अब इसका आपने निकालना है जी, फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, देखिए इसमें आपने निकालना है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूलाज हैं सिर्फ, आपने दोनों ही देखने हैं। जो मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार होता है वो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के इक्वल होता है, ठीक है जी, इसको फाइंड आउट करेंगे। सॉरी ये पहले तो मीन तो फाइंड आउट कर लेना, मीन कर लें बाकी बाद में कर लेंगे, ये होता है अगर एक्स का कर रहे हैं आप लोग मीन, ठीक है, और एक्स इंडेक्स है इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बाहर इक्वल है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है आपके पास एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का सम, हमें ये सम चाहिए, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन फार्मूला एक्सपेक्टेशन सिग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, फिर साथ प्रोबेबिलिटी आ जाती है, एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये फार्मूलाज मैंने आपको 11th में बड़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताए थे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 0.8 लिख लेंगे, कैलकुलेटर से आप करते जाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, 5 को 4 से करेंगे तो 2.0 आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आ जाएगा, 1.8 लिख लेंगे, 7 को 1 से करेंगे 0.7 आ जाएगा, ये सारे को ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 प्लस 8 16, क्या ये 1.6 बनेगा, और 16 में 7 डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23, 3 इधर रखेंगे 2 उधर चला जाएगा तो ये 5.3 आ जाएगा लगभग, मैं देख लेता हूँ, 0.8 प्लस 0.2 प्लस 1.8 प्लस 0.7, ठीक है इतना ही आ रहा है, ये निकालिए, उसके बाद सिर्फ हमने स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, वेरियंस ही फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट लेना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है, पॉपुलेशन का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल होता है बेसिकली ये होता है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसके स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है जी।
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्केयर, इसके होल के ऊपर स्केयर डालना। ये भी देखा करें कई स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी का बाहर किसी का अंदर स्केयर डाल देते हैं। ये क्वेश्चन किया करें सीधा लिखें, ये एक्स का स्केयर है और ये टोटल का स्केयर होता है। जो स्टैंड डिवीजन के आम फार्मूला में रूटीन चलती है, पहले एक्स का स्केयर वाला लिखा जाता है फिर टोटल वाला। अब ये इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ पर ही, इसको एक्सपेंड करते हैं तो बिल्कुल एक्स स्केयर ही बनेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंगल वेरिएबल की चलती है, ये तो आपको पता है ना। सिग्मा वैसे डाल रहे हैं, अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो ये मीन की तरह एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन इसका टोटल का स्केयर डालना है। जो मैथ के स्टूडेंट वो इसीलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका सम चाहिए, इस वाले कॉलम का। ये कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला कॉलम, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये बनाना पड़ेगा, ये बना लेते हैं। ये कैसे बनाएंगे, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, अगर हम इसको एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं, 8 को 4 से करेंगे तो 32 आएगा, 3/2 लिख लेंगे, 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आ जाएगा, सॉरी 5 को 2 से करना था, 6 को 18 से करना है, तो ये आपका आ जाएगा 108, 10.8 आ जाएगा। ठीक है जी, 7 को 7 से करेंगे 49, 4.9 आ जाएगा लगभग। मैं ना चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में मैं नहीं चाहता कि इसको मैं वीडियो मुझे दो दो तीन तीन बार मरतबा रीशूट भी करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार लाजमी वैसे ही नहीं फॉलो होते। ठीक है जी, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3.2 + 10 + 10.8 + 4.9, ठीक है जी, ये 28.9 आ रहा है, 3.2, 10.0 एंड 10.8, 4.9। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 2.8.9। अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, 28.9 - 5.3 स्क्वेयर, तो ये आ रहा मेरे पास 0.81। ठीक है, ये आ गया सिग्मा स्क्वेयर, ये भी आ गया, अब ये भी आ गया। अब आपने बनाना है इसका वेरिएंस, ठीक है, सॉरी वेरिएंस तो है हमारे पास, यह है 0.81। अब इसका बनाना है स्टैंड डिवीजन, सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लें, दोनों साइड ऑफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्टैंड डिवीजन आ जाएगा 0.9 आ गया मेरा ये स्टैंड डिवीजन। अब उसने बात की कि आपने पॉपुलेशन की फाइंड आउट करना है, ये मीन हम इधर लिख लेते हैं ताकि बाद में ये ढूंढना ना, 5.3 आ रहा है ना, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास उसने कहा ये फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसी के इक्वल होता है, ये 5.3 है तो ये भी 5.3 ही आएगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद उसने कहा कि आपने फाइंड आउट करना है एक्स बार का, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन के इक्वल होता है। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर कितना है, 0.81 है। साइज सैंपल साइज उसने देखें दिया हुआ है आपको, फाइंड द मीन फॉर ए रैंडम सैंपल साइज ऑफ 36, 36 का सैंपल साइज रखा, इसको 36 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0225। ठीक है, ये आ गया आपके पास, दो
फॉर्मूला से निकालना चाहें तो भी ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर। अगर आप इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी आ जाएगा। मैं इसी का स्क्वायर रूट लेके लिख देता हूँ, तो यार मेरे पास 0.15। ठीक है, अगर आप फार्मूला से करेंगे, फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या आएगा, सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। सिग्मा क्या है आपका, 0.9 डिवाइड बाय 36, 0.9 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आप तो भी आपका 0.15 आएगा। ठीक है जी, इतना ही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम सैंपल ऑफ 36 केसेस ड्रॉन फ्रॉम ए नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपको नेगेटिव लिखे, पॉजिटिव लिखे, जो मर्जी के लिए आपने, बस इससे कोई चीज़ आपने घबराने की नहीं है। इनफाइनाइट फाइनाइट कहेगा। मीन ऑफ टू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थ्री, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। वही बात है, स्टैंडर्ड एरर आपने फाइंड आउट करना है, कोई मुश्किल नहीं है। मीन वही सेम ही रहेगा। सेकेंड टाइम में देखें, अब इसका सी पार्ट देखिए। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन इज अननोन एंड फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। बिल्कुल वही आएगा, देखिए मीन इसका वही आ गया जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दिया हुआ है। मीन तो वही आना है, 30 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 5 है। स्टैंडर्ड एरर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, किसके इक्वल होता है, ये होता है इसके इक्वल डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट के इक्वल। ये है हमारा ये 5 डिवाइड बाय एन है 100, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका ये 0.5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। उसके बाद टू वेरिएबल आ जाते हैं। देखिए हमारे पास पॉपुलेशन पहले क्या थी, एक एक पॉपुलेशन थी। मैं देख भी लेता हूँ, ठीक क्या ये क्लियर नज़र आ रहा है आपके पास। पहले एक पॉपुलेशन थी, अब आपके पास दो दो पॉपुलेशन चलने लगी। ठीक है, फर्ज करें एक पॉपुलेशन आपके पास पॉपुलेशन 1 या X1 है, पॉपुलेशन ये 1 3 की। एक दूसरी पॉपुलेशन है वो है आपके पास 1 3 5 की है, ये है 2 4 6 की है। अब इसमें अगर आप लोगों ने विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट चलना है, इसको देख लेते हैं। 11.3 एक्सरसाइज है आपकी, इसमें ये दो दो पॉपुलेशन आपके पास चलेंगे। फर्ज करें ये एक पॉपुलेशन थी, पर इसमें डेटा अक्सर होता छोटा ही है, मैं छोटा कर लूँगा इसको, ये ठीक रहेगा। ठीक है जी, अब आपने इसको काउंट करना है खुद। अगर आपको कहते हैं सैंपल साइज 1 में 2 रखना, दूसरे में 3 रखना, या पहले में भी 2 रखना, दूसरे में भी 2 रखना है, सैंपल साइज आपको खुद ही बता देगा। 2 रखना है इस बार, फर्ज करें 3 रखना है। ठीक है जी, जब आपने 3 रखना है तो क्या करना है, विद रिप्लेसमेंट और विद आउट में वही काम करना है। वैसे 3 का आता तो नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको कर देता हूँ। जब भी पॉपुलेशन छोटी होगी, साइज बड़ा होगा, तो आपको विद रिप्लेसमेंट से ही करने को कहेगा, क्योंकि विद आउट से तो होने नहीं वाला। आपने दो चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है, दो की पॉपुलेशन है, टोटल 2 हैं, तो आपने विद आउट रिप्लेसमेंट से कैसे निकाल लेंगे। एक चीज़ है उसमें पड़ी है 3 गेंदे, 2 गेंदे पड़ी हैं, आपका सैंपल साइज है 3, आपने 3 निकालनी है। एक बार निकाली चलिए विद रिप्लेसमेंट से, एक बार निकाली ये आ गई, दूसरी बार निकाली ये आ गई, तीसरी बार निकाली फिर ये आ गई। लेकिन जब विदाउट रिप्लेसमेंट से करेंगे तो फर्ज करें एक बार निकाली ये आ गई, ये बाहर ही पड़ी, दूसरी बार निकालेंगे तो यही आएगी, तीसरी बार तो कोई और है नहीं जो निकाल लें। ठीक है जी, ये विद रिप्लेसमेंट से ही करेगा आपको। अब इसमें दो दो पॉपुलेशन है, तो दोनों पॉपुलेशन का डेटा बिल्कुल उसी तरह से आपने ले लेना है। इसका सैंपल आपने बिल्कुल
आम से बना लेने हैं यहाँ पर ही। देखिए इसके सैंपल कौन कौन से बनेंगे, आपने डायरेक्ट ही निकाल लेने हैं सैंपल। विद रिप्लेसमेंट से कहेगा तो इसके सैंपल ऐसे ही बने, कैपिटल एन पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन कितना, कैपिटल एन आपने खुद फाइंड आउट करना है, इसको काउंट करके ये टू है, इसका कितना आएगा, इसका भी टू है। इस पॉपुलेशन को थोड़ा सा मैं साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको इजीली नज़र आए। ये वन एंड थ्री रखेंगे, इसका साइज कितना है, टू है, और इसका सैंपल साइज कितना है, वो है थ्री। ठीक है जी, यहाँ तक आ गए, सैंपल कितने बनेंगे इसका, ये टू की पावर टू फोर बनेंगे, और इधर इसके पॉपुलेशन सैंपल क्या बनेंगे, विद विद रिप्लेसमेंट फर्ज करें चल रहे हैं, इसके भी सैंपल बनेंगे, सैंपल कैपिटल एन पावर स्मॉल एन, थ्री पावर टू, तो ये नाइन बनेंगे इसके, ठीक है जी, सॉरी टू पावर थ्री था। तो ये टू पावर थ्री बनेंगे एट, ठीक है। अब यहाँ पर चल जाते हैं, सैंपल बना लेते हैं, इसके सैंपल कौन कौन से बनेंगे, देखिए पहला आ जाएगा आपके पास, सिंपल ही खुद ही बना लेंगे, टू टू बन जाएगा। फर्स्ट तरह अगर आप इसे आप खुद ही फाइंड आउट करना चाहेंगे, फर्स्ट ड्रा निकालेंगे फिर सेकंड ड्रा निकालेंगे, फर्स्ट ड्रा में क्या है, टू है, सेकंड में टू और फोर आएगा, इसमें फोर है तो इसमें टू और फोर फिर आएगा, ठीक है जी। आप इस तरह से लगा, टू टू आ गया, दूसरा आएगा टू फोर आएगा, ये आप रफ साइड पे कर लीजिए समझने के लिए, लास्ट पेजेस पे हमको रफ पेज यूज़ कर लेंगे आप। ये आ जाएगा फोर टू, एक आ जाएगा फोर फोर, ठीक है, ये सैंपल बन गए। इसी तरह इसके भी आप इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन अब वैसे भी दुबाने भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखें, इसको मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूँ, फोर टू और फोर फोर, ठीक है जी। इसके क्या आएंगे, वन वन, वन थ्री, थ्री वन आएगा और थ्री थ्री। सॉरी, इसके हमने सैंपल साइज तीन रखना है, देखिए इसके कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ड्रा यहाँ पर मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ, थ्री साइज हम रखने लगे हैं, ठीक है, जिसकी हम स्टार्ट से बात कर रहे थे। सेकंड ड्रा इधर है, थर्ड इधर है, फर्स्ट में क्या है हमारे पास, वन है, सेकंड में क्या आएगा, हो सकता है वन ही आ जाए, हो सकता है थ्री आ जाए, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट चल रहे हैं ना हम लोग, विदाउट वाला कंसेप्ट खत्म कर दें हम। थर्ड में हो सकता है वन ही आ जाए, फिर इसके साथ थ्री ही आ जाए, सॉरी इसके साथ वन। अब इसके साथ आगे बनने ना, इसके साथ हो सकता है फिर वन आ जाए, फिर थ्री आ जाए, अब इसके साथ वन आ जाए, थ्री आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा थ्री, थ्री के साथ हो सकता है वन आ जाए या थ्री आ जाए, और इस वन के साथ फिर ऐसे ही हो सकता है वन आ जाए या थ्री आ जाए, ठीक है। ये मैं आपको समझाता भी हूँ कैसे करने हैं हमें, ये वन 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 आ जाएगा, फिर वन वन थ्री आ जाएगा, ठीक है जी। ये वन 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 आ गया, फिर वन वन एंड थ्री आ गया, ये वन थ्री वन आ गया, ये आ जाएगा आपके पास वन थ्री थ्री, ठीक है जी। उसके बाद थ्री वन वन आ जाएगा, थ्री थ्री वन आ जाएगा, और थ्री थ्री थ्री
जाए। अब देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा। अब फर्ज करें देखें आपके पास एक बैग था, उस पे वही स्नूकर गेम बॉल थी, एक वन नंबर थी और दूसरी थी थ्री नंबर। एक बार अब आपने सांपा साइज रखना है, तीन मरतबा इनके गेंदे निकालने, एक बार निकालिए एक नंबर आ गई, ठीक है जी। फिर इसको डाल दिया इसमें, फिर डाल दिया, फिर निकाली, फिर एक नंबर आ गई। अब तीसरी बार फिर हाथ डाला, वापस डाल के तो फिर एक नंबर आ गई, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमने ये सैंपल कैसे ड्रा किए है। चलिए ये हो गया। अब इसी तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने, मीन बनाने हैं ऐसे के जो हम ऑलरेडी बनाते आए हैं। अब फर्ज करें इसको हम अगर टू ही रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, टू का ही अक्सर आता है, थ्री का भी आता है, तो थ्री से भी इसके मीन आप खुद ही बना सकते हैं। इन तीनों को प्लस करें, वन प्लस वन प्लस वन थ्री आएगा, थ्री को थ्री पे डिवाइड करेंगे वन आएगा, फिर वन प्लस वन टू आ जाएगा, टू प्लस थ्री फाइव आ जाएगा, फाइव को थ्री पे डिवाइड करेंगे, तो इस तरह ये मीन इनके आते रहेंगे। और ये जो मीन है अक्सर आपको इसी तरह से देते हैं कि आप लोगों के पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, क्योंकि मैंने तो इमेजिनरी आपको सेलेक्ट करके दिखाए हैं, आप थ्री साइज से भी कर सकते हैं और वो आपको डेटा जो है वो एक्यूरेट देंगे। जिस तरह फर्ज करें हम थ्री साइज ही रख लेते हैं, थ्री साइज, थ्री साइज भी अगर रख लें तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कहते हैं तो हम लोग कर भी लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। कोई सा भी हम डेटा यहाँ से रख लेंगे क्वेश्चन में से, फर्ज करें दूसरे क्वेश्चन का मैंने ले लिया ये डेटा 0 एंड 3, ठीक है ये 0 एंड 3 ले लिया। अब इसके कौन कौन से सैंपल बनेंगे, 0 0 0, 0 0 3, ठीक है जी, 0 0 0 3 0, उसके बाद बनेगा 0 3 3, ठीक है जी। इसी तरह आप बनेंगे 3 3 3, आप लोग खुद ही से भी बना सकते हैं। उसके बाद 3 3 0, 3 0 3, ये बन जाएगा 3 3, कौन सा रह गया हमारा 3 0 0 रह गया, ठीक है जी, ये ठीक है। अब ठीक है ये बन गए सैंपल, अब इनको साथ लेकर चलते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाते हैं। अब ये सैंपल बन गए, अब इसी तरह हमने इनके मीन्स बना लेने हैं। देखिए ये सैंपल बन गए, अब आपने एक हेडिंग दे देनी है मीन्स की, ठीक है। इसके मीन्स की फर्ज करें यहाँ पर हम दे लेते हैं हेडिंग, ठीक है इधर ये पॉपुलेशन वन चल रही है, इधर चल रही है वन, इधर टू चल रही है। अब इनके मीन्स निकालने हैं, मीन्स आप नीचे निकाल लेंगे और अकॉर्डिंग टू ये निकालेंगे, पहले इसका मीन फिर इसका फिर इसका, ताकि हमें समझ आ सके। मीन निकालने सिंपल है, इन तीनों को प्लस किया थ्री पे डिवाइड किया 0 ही आएगा, इनको ऐड किया थ्री पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मीन कितना आएगा, इसको भी थ्री पे डिवाइड करना है तो इसका भी 1 आ जाएगा, ये 3 प्लस 3 6, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, हम मीन निकाल लेते हैं, एक्स बार निकाल रहे हैं, सेकंड पॉपुलेशन है फर्ज करें, ठीक है जी। यहाँ तक हमने कर लिए थे, ठीक है यहाँ तक बना दो, आप खुद ही लेंगे, ये 9 आ जाएगा, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और इसी तरह ये 6 आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, ये 3 आएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है जी बना ली। इसी तरह हमने इसके मीन्स निकाल लेने, एक्स टू बार्स जितने भी आ रहे हैं, ये N1 रखने हैं, ये X1 रखने हैं, ये वन एन वन, ये एन सॉरी एन टू टू रखने हैं, ये एक वन रखने हैं, एक टू टू रखने हैं, ठीक है। इसके सारे 1 नहीं रखने,
ठीक है जी, सॉरी उसकी बात नहीं रखनी। अब यहाँ पर इसके मीन निकाल लेते हैं, 2 + 2 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये इसका 3 आ जाएगा, 6 ओके ना। 4 को 2 पे प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 + 4 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया, उसके बाद ये हो गया हमारे पास मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें निकालना है बेसिक मीन्स x1 बार माइनस x2 बार। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी इस तरह से आपने लिखना है x1 बार, अब दोनों पॉपुलेशन को मैं इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इकट्ठा लेके चलने लगा हूँ, आपने इनके नीचे आ जाना है। पहले एक पॉपुलेशन का डेटा लिखना है, फिर नीचे आकर दूसरी पॉपुलेशन का लिखना है, फिर उसके नीचे आकर ये इनको माइनस करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही करना है तो मैं मैनेज करने के लिए ये कर रहा हूँ, x1 बार माइनस x2 बार। अब आपने एक साइड पे x1 बार रख लेना है, ठीक है जी, दूसरी साइड पे x2 बार रख लेना है। बल्कि नहीं, इधर मैं रख लेता हूँ ये 0, ये सारे रख रहा हूँ, 1 ये 1, ये 2 ये 3, ये 2 ये 2 ये 1, इसी तरह ये रख लूँगा, ये आ जाएंगे 0, ये 2 आ जाएगा, ये 3 ये 3 और ये 4। अब आपको यहाँ नीचे नज़र आ भी रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्लियरली नज़र आ रहे होंगे x1 बार x2 बार हमने यहाँ से निकालना है, बेसिक हमारा काम ये है। अब अगर आप सारे इसी तरह से निकालेंगे x1 बार माइनस x2 बार करेंगे, ठीक है, तो फिर सारे उसी तरह रखें। अगर 2 बार में से 1 करना है तो सारे उसी तरह रखेंगे, क्योंकि तो बाद में आंसर में चेंजिंग आएगी, मैं आपको बताता हूँ। x1 में से x2 बार में माइनस करूँगा, ठीक है, जो माइनस में आएंगे माइनस में रखना है, जो प्लस में आएंगे वो प्लस में ही रखना है। 2 में से पहला किया x1 बार में से ये करना है, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 में से 1 किया तो 1, इस 2 में से 2 किया तो 0, 2 में से 3 किया -1, 2 में से 2 किया 0, 2 में से 2 किया 0, 2 में से 1 किया 1 आ गया। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब 3 में से 0 माइनस करेंगे तो, ठीक है जी, मैं इस पॉइंटर को ज़रा चेंज कर लेता हूँ, के 3 में से 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। इस वीडियो में हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 11th चैप्टर है, 12th क्लास स्टैटिस्टिक्स का, सैंपलिंग टेक्निक्स एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए इसमें चंद एक इम्पोर्टेंट नोटेशन है जिनको हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। और इस चैप्टर के हमने 3 बेसिकली पार्ट बना दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, यानी कि आपने टिप्स एंड ट्रिक्स की थर्ड पार्ट में देखा होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने, सारे चैप्टर के मैंने उसमें बता दिए। आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसको लाजमी देखें। और इसी वीडियो के कमेंट्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, पहले कमेंट में ही लिंक मिल जाएगा कि आप लोगों ने कैसे देखना है। पहले कमेंट में ही लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पार्ट 3 की वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं पार्ट 3 की, पार्ट 3 तो कवर कर लिया था, पार्ट 4 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सबसे पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नोटेशंस को याद रखना। नोटेशंस देखें, सैंपल और पॉपुलेशन को जब तक आप लोग अलग नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने 11th क्लास में 9th चैप्टर जो था, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स मुझसे पढ़ी है और जो अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, बेशक मुझसे नहीं पढ़े, उन्होंने देखा होगा कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन साइज को, ठीक है, पॉपुलेशन साइज।
वो जो स्मॉल एन है वो रिप्रेजेंट करता है सैंपल साइज को। ये हो गया इतना क्लियर। उसके बाद पॉपुलेशन की चीज़ें इधर ही हम शो करेंगे। पॉपुलेशन मीन, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने 10th चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया है, म्यू है ये, और इसे पॉपुलेशन मीन बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन, ठीक है जी। उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसे पॉपुलेशन सिग्मा भी बोलते हैं, पॉपुलेशन सिग्मा, ठीक है। एक होता है आम सिग्मा, ये वाला, ये होता है सैंपल सिग्मा, और ये टोटल के लिए होता है। एक होता है पॉपुलेशन सिग्मा, इसको ऐसे डालते हैं कुछ, जिस तरह आप नंबर्स में देखते हैं 6 डलता है, इसी तरह ही डालते हैं, लेकिन इसको आपने कोशिश करनी है अलग रखना है दूसरे डेटा से। अब ये हो गया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, और इसका अगर वेरियंस बनाना हो, आपको पता है सिंपल स्केल ले लेंगे, ये पॉपुलेशन वेरियंस बन जाएगा, ठीक है। ये इतना आपको पता है। उसके बाद आगे हमारे पास थोड़ी सी प्रो लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, जिस तरह आप कह लें कि एक मोबाइल आता है उसका थोड़ा सा प्रो डिवीजन आ जाता है, प्रो वर्जन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास थोड़ी सी प्रो चीज़ें आ जाती हैं, ये है मीन, ठीक है। ये बेसिकली ये जो लिखा होता है आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को इतना सा बता देता हूँ। ये जो मीन होता है ना, बेसिकली ये होता है आपके पास एक्स का, एक्स से मुराद यहाँ पर वो पॉपुलेशन होती है जो भी आपको दी होती है, ठीक है। और जब आप इसके नीचे पैरामीटर डालते हैं पॉपुलेशन मीन का, तो ये पॉपुलेशन जो है मीन सैंपल मीन का बन जाता है। इसे आप कह सकते हैं मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, और ये मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है, ये एक्स बार है, ये एक्स है, और ये ही होता है ये, ठीक है। इसे बेसिकली इस तरह से इसलिए नहीं लिखते क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। बेसिकली ये लिखा इसी तरह से होता है, क्योंकि आपके पास कोई भी पॉपुलेशन है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, कोई भी पॉपुलेशन ले लेते हैं, पॉपुलेशन से मुराद कोई भी डेटा है ना, ये ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये पॉपुलेशन शायद आपको देगा, आपने कोशिश करनी है। जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पॉपुलेशन को कंप्लीट लिखना है। जब तक आप पॉपुलेशन को कंप्लीट नहीं लिखेंगे, आपका आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सैंपल साइज आपको बता देते हैं, आपके सैंपल कंप्लीट होते ही नहीं है। अब यहाँ पर इसको जब भी आपने शो करना है, या इक्वल टू ना लगाएं, बल्कि यहाँ पर आप लगाएं कोलन, और इसको एक्स से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये पॉपुलेशन होगी एक्स से रिप्रेजेंट की, और इसका जो मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन होगा, और इसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये होता है, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। अब जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है, वो हम आगे बनाकर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपके पास मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इसे कहना है। और इसके बाद जो सिग्मा है, बेसिकली ये होता है एक्स का, यानी इस कॉलम का सिग्मा होता है, ये वेरिएंस होता है इस कॉलम का होता है, इस डेटा का होता है, पॉपुलेशन का होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ नहीं लिखा होता ना ही लिखें अच्छा है। बेसिकली ये इंडेक्स है, लिखते इसलिए भी नहीं है कि इंडेक्स है, और आपका ये कॉन्सेप्ट दिया तो नहीं हुआ। अब इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोशिश है आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। आपने कभी देखा है कि आपके पास 10 रुपए हैं, अब आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास 10 की पावर 1 है, कह सकते हैं ना, तो 10 की पावर 1 का मतलब भी 10 ही होता है ना, आप ये 1 क्यों नहीं बोलते, ये इंडेक्स होता है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप स्क्वायर रूट डालते हैं, 25 का स्क्वायर रूट, क्या आपको ये पता है 25 के स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? 25 के स्क्वायर रूट का मतलब होता है 25 रूट कौन सा है, सेकंड। ये सेकंड, यहाँ पर 2 क्यों नहीं डालते, आपने कभी गौर किए, यहाँ 2 क्यों नहीं डालते, क्यों 2 इसलिए नहीं डालते, ये इंडेक्स होता है। लेकिन जब आपने क्यूब रूट लेना है, ठीक है, क्यूब
क्यूब रूट लेना है, इसका क्यूब रूट, तो तीन लाजमी डालते हैं। तीन लाजमी क्यों डालते हैं? क्योंकि तीन इंडेक्स नहीं है, आपको हर जगह ये तीन लाजमी डालना पड़ेगा। क्यूब रूट का मतलब तीन होता है, ये डालना पड़ेगा। लेकिन टू को डालें ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको लाजमी डालना पड़ेगा। अगर 10 की पावर 2 कह लेना तो ये इंडेक्स नहीं है, आपको ये टू कहना पड़ेगा। लेकिन एक हम नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? एक इंडेक्स होता है, इसीलिए यहाँ पर एक्स भी इंडेक्स है और उसे बोलते नहीं है। उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक्स बार, इसे अब दो तीन नाम है, इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार भी कहते हैं, और इसे पॉपुलेशन सिग्मा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार भी कहते हैं। इसके दो तीन नाम, तीनों आपने याद रखने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार भी इसे कहते हैं। फिर वेरिएंस भी बिल्कुल इसी तरह है, वेरिएंस का सिर्फ एक ही नाम है, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार ही इसे कहते हैं, सिर्फ इसका एक ही नाम है। ये होगी बात क्लियर। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, अब इसका साइज क्या है? पॉपुलेशन का साइज है इसका 1 2 3 4 5, और ये किससे रिप्रेजेंट करना है? ये कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करना है, जब भी करना है। और इसी तरह जब सैंपल का आपको खुद ही बता देगा कि सैंपल कितना साइज रखना है, और सैंपल साइज ऑफ 2, सैंपल साइज ऑफ 3, कई बार आपको कह देगा एन इज इक्वल टू 2, आपको कम्प्लीटली बता देगा। अब यहाँ पर फर्ज करें सैंपल साइज उसने कहा 2 रखना है, तो उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी, उसके बाद आगे चलते हैं। और फर्ज करें इसका हमने मीन निकालना है इसका, ठीक है, इसका जब मीन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन इस तरह से ही निकालेंगे, पॉपुलेशन मीन है ये वाला, ये किसके कुल होता है? आपने सैंपल मीन तो निकाला होगा, वो तो आपको पता है, एक्स बार दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होता था, ये सैंपल का डेटा था तो स्मॉल एन पे रिप्रेजेंट होता था, ये पॉपुलेशन का डेटा है तो कैपिटल एन पे डिवाइड होना है, सिंपल सी बात है। आप लोग एक्सपेक्टेशन से ना ही करें तो अच्छा है, अगर आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन से किए हैं सारे क्वेश्चन तो फिर ये भी एक्सपेक्टेशन से ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप दो दो फार्मूला को साथ लेकर चलें, बाद में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन पैदा होती हैं। आप जो भी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको ही रखें, बेटर वही है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इन आने वाले पार्ट्स को, यानी कि नेक्स्ट क्लासेस के लिए अलग कर देंगे, तो उसमें ये होगा कि आप लोगों को जो एक्सपेक्टेशन से करना चाहते हैं वो अलग से कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशन से भी आंसर बिल्कुल सेम ही आना है, वही चीज़ होती है, बस उसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है और ये इजी है, जो हर कोई कर सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इस मेथड से सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मैं इसी मेथड से ही आपको भी करवाऊंगा। सेकंड टाइम आपको जब नेक्स्ट क्लास के लिए करवाना पड़ेगा तो एक्सपेक्टेशन से भी लेकर साथ ही चलेंगे। अब यहाँ पर सैम्पलिंग की बात आ जाती है, सैम्पलिंग, और दूसरे नंबर पर जब डेटा पिकअप करना है, फर्ज करें ये डेटा है, आपको क्वेश्चन में जब डेटा देता है, आप में से, मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप में से जो 45% स्टूडेंट हैं वो डेटा गलत लिखते हैं, दिया हुआ डेटा गलत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपको डेटा दिया जाता है ना, इस स्टेटमेंट के अंदर तो आपको ये कहा जाता है दिस 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 एंड दिस, ये 10 भी कह दिया, अब 10 भी इंक्लूड है, और ज़्यादातर ये क्या होता है क्वेश्चन के स्टेटमेंट के एंड पर एंड आता है, फिर 10 जो है नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में आता है, इस तरह से। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये डेटा सारा लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये 10 नहीं लिखते, जब 10 नहीं लिखेंगे और आपको सैम्पल साइज बता दिया गया है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ सैम्पल भी बता दिए गए, आपने डायरेक्ट वही रख लिए हैं, तो आंसर मैच नहीं होगा और आपको परेशानी होगी, हमारा आंसर ही नहीं मैच हो रहा। ये होल क्लास एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग देखिए दो तरह की होती है, एक विद रिप्लेसमेंट, इसे WR से रिप्रेजेंट करते हैं विद रिप्लेसमेंट, और एक होती है WOR विद आउट रिप्लेसमेंट।
अब विद रिप्लेसमेंट क्या होती है और विद आउट रिप्लेसमेंट क्या होती है, इसको थोड़ी समझने की कोशिश करें। फर्ज करें आपके पास एक बैग है या एक आप कह लें कोई भी बास्केट है, बास्केट में बॉल्स पड़ी हैं, बॉल्स पड़ी हैं, कोई 10 बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, और उसमें से आपने बॉल्स निकालनी है, 10-15 बॉल, वो स्नूकर वाली बॉल्स ही लगा लें, वो होती हैं 10-15 के बिटवीन होती हैं, जितनी भी होती हैं वो पड़ी हैं, स्नूकर वाली बॉल्स पड़ी हैं, हमारे पास बैग है एक, ठीक है, इसके अंदर 15 बॉल्स पड़ी हैं, अब फर्जी तौर पर है ये 15 तो पूरी नहीं है, लेकिन फर्ज करें ये बास्केट में 15 बॉल्स पड़ी हैं। अब इसमें से आपने एक बार हाथ लगाया, इसमें से आपने बॉल्स उठानी है, ठीक है जी, अब फर्ज करें सैंपल साइज जो है वो 2 है, एन आपको दे दिए 2 है, अब उसने कहा विद रिप्लेसमेंट उठानी है, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने इसमें हाथ डाला, सैंपल साइज क्या है 2, सैंपल कितना निकालना है आपने 2 निकालना है, पहले आपने निकाली ये बॉल, ये वाली, ये जब बाहर निकाल के रखी, ठीक है, उसके बाद इसे फिर डाल दिया इसके अंदर, फर्ज करें ये हमने निकाली बॉल और ये कलर की आई ब्लू कलर की, ठीक है जी, ब्लू कलर की आई बॉल, सैंपल साइज क्या है 2, एक और निकालनी है, इसको डाला फिर इसके अंदर ही, ठीक है, उठाया फिर डाल दिया, फिर जब हाथ हिला के हमने निकाली फिर हमारे पास यही आ गई ब्लू, पहली बार भी ब्लू आ गई, दूसरी बार भी ब्लू आ, ये होती है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, यानी कि बार को निकाला, देखा कौन सी है, फिर डाल दी, ठीक है जी, और दूसरी तरफ आ जाते हैं, सैंपल साइज हमारा 2 ही होगा, विद रिप्लेसमेंट, विद आउट रिप्लेसमेंट इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब विद आउट रिप्लेसमेंट क्या होती है, देखिए आपने हाथ डाला बॉक्स के अंदर, एक बॉल निकाली और वो आ गई है येलो, येलो बॉल आ गई, ठीक है जी, अब आपने ये येलो बॉल जो है ये इधर ही रखनी है, फिर एक और निकालनी है, अब ये आने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बॉल अब दोबारा आएगी, जो आपने निकाल ही लिया वो तो दोबारा आएगी नहीं ना, ये तो आपको पता है ना, ये निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस हमने नहीं की, एक और निकाली, अब ये आ गई हमारे पास, फर्ज करें ये ब्लू आ गई, दूसरी बार निकाली तो ब्लू आ गई, तो उसका आपको समझ आ चुकी होगी कि जो हमने निकाली है वो अंदर नहीं रखी, फिर एक और निकाल ली, ठीक है जी, हम इनको कलर्स दे देते हैं, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है, और ठीक है ये वाइट है, ये आपके पास इसको एन का नेम दे देते हैं, इसको एस का दे देते हैं, इसको जी का दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या बनेगा सैंपल, जब आपने रिप्लेस करते जाना है, निकालते जाना है, रिप्लेस करते जाना है, ठीक है, तो आपके पास सेम बॉल्स भी आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपके पास सेम बॉल्स नहीं आएंगी। अब उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, बाकी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है, और फर्ज करें अगर यहाँ पर हमने एक बार हाथ डाला इसमें बॉक्स में, रेड आ गई, ठीक है जी, बॉल बाहर आ गई, अब हमने इसको फिर अंदर रखना है, फिर हाथ डाला तो फिर रेड आ सकती है, चांसेस हैं, लेकिन इधर क्या होगा, एक बार अगर रेड आ गई है ना, फिर वो इधर ही रखनी है हमने, फिर एक और निकालनी है, फिर और रेड आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और कोई भी आ सकते हैं, फर्ज करें ये ऐसे वाली आ सकती है, ये होगी बात क्लियर, विदाउट एंड विद रिप्लेसमेंट की होगी खत्म बात। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं, दूसरे नंबर पर जब आपने विद आउट रिप्लेसमेंट करना, विद के साथ बिल्कुल फार्मूला सेम रहेंगे, सिंपल रहेंगे, जब विद आउट रिप्लेसमेंट से करने हैं तो आपके पास एक पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर होता है, जिसे पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर कहते हैं, कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1, इसको अप्लाई करना पड़ता है।
ठीक है। अब कैपिटल एन क्या होता है, ये पॉपुलेशन का साइज होता है। स्मॉल एन क्या होता है, सैंपल का साइज होता है, ये जो हमने डिस्क्राइब करते हैं नीचे, ये कैपिटल एन वही पॉपुलेशन का साइज -1। ठीक है जी, अब इसको देख लें, फर्ज करें इसमें कितनी बॉल थी, कैपिटल एन में ये हो जाएगा जितनी भी बॉल थी पॉपुलेशन की। अब इनको आप गौर से देख लें, अगर आप वीडियो ये कंप्लीट देख सकते हैं ना, कंप्लीट देख लेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ आएंगे। कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज है, देखें ये 3 2 5, ये 3 2 5, ये 10 है। स्मॉल एन कितना है, 2 है। पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर निकाला तो क्या बनेगा, 10 - 2 / 10 - 1, ये आ जाएगा आपके पास 8/9, ये पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड आपने खुद ही कर लेना, आगे हम कर लेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखेंगे। अब आपको विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का तो पता चल गया होगा ना, नहीं पता चला तो वीडियो को फिर एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन को साथ लेकर चलते हैं, उसको विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं। फर्ज करें आपके पास पॉपुलेशन है ये वाली 2 4 और 6, ठीक है जी। इसका आपने बनाना है सैंपल साइज। अब सैंपल साइज की भी आनी थी, पहले आपको ये बताओ सैंपल, आपने सैंपल टोटल बनेंगे कितने, ठीक है। जो पहले इधर रख लेते हैं वही विदाउट रिप्लेसमेंट को इधर ही रखेंगे, विद रिप्लेसमेंट को इधर रख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो क्वेश्चन के अंदर खुद ही मेंशन कर देगा विद रिप्लेसमेंट से करना है या विदाउट से करना है। अगर आपको मेंशन ना करें, आपको सैंपल साइज दे दे क्या इसके सैंपल इतने बन रहे हैं, तो आपने उनसे अंदाज़ा लगाना है। कैसे लगाना है, देखिए अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का आपको कह दे तो ठीक है, ना कहे तो आपने खुद अंदाज़ा कैसे लगाना है, वो आपको साइज बता देगा, ऐसे आप चेक कर लेंगे। अगर विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो सैंपल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सैंपल लिखना है, सैंपल नंबर ऑफ सैंपल लिखने हैं जब विद रिप्लेसमेंट करनी है और जब विद आउट करनी है। जब विद रिप्लेसमेंट करनी है तो नंबर ऑफ सैंपल जो होंगे वो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन होंगे। कैपिटल एन अब क्या है, स्मॉल एन क्या है, देखिए सैंपल साइज आपको खुद ही बता देगा क्वेश्चन के अंदर। फर्ज करें अब इसका कैपिटल एन कितना है, कैपिटल एन इसका है काउंट करने हैं 3, सैंपल साइज आपको बता देता है इसका 2, ये खुद मेंशन कर देगा सैंपल साइज आपने कितना रखना है, और कैपिटल एन आपने खुद फाइंड आउट करना है। ये देखिए पॉपुलेशन को काउंट कर लेंगे, अब ये आएगा कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, ये आ गया आपके पास 3 की पावर 2, 9 आ गया, ठीक है जी। अब विद आउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, विद आउट रिप्लेसमेंट का नंबर ऑफ सैंपल्स आपने जब भी काउंट करने हैं तो कैपिटल एन पी स्मॉल एन, और ये वही पी है जो आप ऑलरेडी यूज करते आए हैं 11th क्लास में, कैपिटल एन 3P2। 3P2 करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ये आ रहा है मेरे पास 6, ठीक है जी। कैलकुलेटर से आपने ये डायरेक्ट निकाल लेना, ये हो गया हमारा यहाँ तक नंबर ऑफ सैंपल्स। आप निकाल लेंगे हर क्वेश्चन के, निकाल लेंगे विद रिप्लेसमेंट से भी निकाल लेंगे, विद आउट रिप्लेसमेंट से भी निकाल लेंगे। अब बात आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन डेटा को भी, यहाँ पर मेरा इरादा कैलकुलेट करना बता दूँ, फिर हम सैंपल बनाना सीख लेंगे, ठीक है जी। पॉपुलेशन डेटा हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, ये इसको लिखा रहने देते हैं। पॉपुलेशन डेटा में सिर्फ दो चीजें आपने काउंट करनी है, एक है मीन, ठीक है जी, मीन आपने काउंट करना है, मीन भी सिंपल आपने काउंट करना है। दोनों का जब भी आपने पॉपुलेशन डेटा काउंट करना है ना, वो सेम ही होगा, इसका कर रहे हैं या इसका कर रहे हैं, वो एंड पर करते हैं, कई स्टूडेंट स्टार्ट में कर लेते हैं, एंड में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने जितने क्वेश्चन किया उनके अकॉर्डिंग एंड पर ही किया है। अब जिस तरह सैंपल मेन था इसी तरह पॉपुलेशन मेन होता है, और डिवाइड कैपिटल एन पे होता है, बस फर्क इतना है। सिग्मा एक्स करें, इस सारे को काउंट करें, 2 4 + 6, ये 12 बन जाएंगे। कैपिटल एन कितना है,
एक दो तीन, कितना है तीन। पॉपुलेशन मीन कितना आ गया, फोर। ठीक है, ये आप इसको पॉपुलेशन साइड पर रख के करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे रख लें। ये टू, ये फोर, ये सिक्स, ये सारे का टोटल करें 12 आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हमें पॉपुलेशन का एक डेटा और भी चाहिए होता है। ये दोनों के लिए सेम होगा, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट डन हो या विदाउट हो, ठीक है, ये सेम रहेगा। ये निकालना है, बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन है या पॉपुलेशन वेरिएंस है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेम वही फार्मूला जो हम सैंपल के लिए यूज़ करते आए हैं। फ़र्क इतना है इसको कैपिटल एन पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये पॉपुलेशन का डेटा है, बस इतना सा फ़र्क है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक कॉलम चाहिए एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना। इसका कॉलम बनाया, टू का कॉलम क्या आएगा, टू का स्केल लेंगे फोर आएगा, फोर का 16 और 6 का 36, इसको काउंट कर लें, ये आएगा 56 और ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है आपका, 3 है, माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स है आपका 12 डिवाइड बाय एन 3 पावर 2। 56 को 2 3 पे डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आएगा, ये आएगा 51 54, ये 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है जी, कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 18.66 आ रहा है, 6 7। ठीक है जी, माइनस ये आ जाएगा आपके पास 4 4 की पावर 2, इसको माइनस करेंगे ये 16 बन जाएगा ना, स्केल लेंगे तो इसमें से 16 माइनस करेंगे तो आपका 2.67 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब हम इसको संभाल के रखेंगे, एक साइड पर लिख लेते हैं, क्योंकि हम मैं चाहता हूँ ये डेटा आगे लिख कर चलूँ। ये आ गया आपके पास, मीन कितना आया इसी डेटा का, 4 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका, सॉरी ये पॉपुलेशन वेरिएंस होगा, क्योंकि अगर हम इसका ले लें स्केयर रूट फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। स्केयर रूट मैंने नहीं लिया तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिया, आप ऐसा कह रहे वेरिएंस ही निकाला है। ठीक है, ये वेरिएंस ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका आपने 2.67 का स्केयर रूट ही लेना। ठीक है, ये डेटा रख लिया हमने, अब बात कर लेते हैं हमने स्टार्ट कैसे लेना है। जब भी आपने क्वेश्चन करना है, स्टार्ट ऐसे लेना है कि इसको छोड़ दें, ये बेसिकली निकालते तो एंड पे है, मैंने ये छोटी चीज़ समझ के आपको स्टार्ट में ही निकाल के दिखा दी। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसके सैंपल्स बनाने हैं, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट चल रही है और विद आउट चल रही है, आपने सैंपल साइज निकाल लिया है, इसके 9 बनेंगे, और विद आउट से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसके 6 सैंपल बनेंगे। दूसरे नंबर पर अगर सैंपल आपको ये नहीं बताता कि क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पता चलता कि विद आउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट, आपको क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर देगा, फर्ज करें वो कहेगा अज्यूम दैट द इक्वली लाइकली टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आर 9, आपको क्वेश्चन में अगर कह देता है सैंपल्स है 9, ठीक है, तो आपने दोनों तरीकों से करके देख लेना, कैपिटल एन इसकी पावर ले लेनी है सैंपल साइज की, 9 आ रहा है तो आपने समझ जाना है नंबर ऑफ सैंपल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट से। अगर ये इस तरह से आप कर लेंगे 3, ये 3 पावर 2 ली थी, 3P2 कर लेंगे, देखेंगे वो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है, आप खुद ही समझ जाएंगे। उसके बाद अगर ये भी ना बताए कि सैंपल साइज क्या है और आपने सैंपलिंग किस तरह से लेनी है, तो आप विद रिप्लेसमेंट से ही करें। लेकिन इस तरह का अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, ये आया था आपके पास 2015 के एक पेपर में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके वैसे मार्क्स लगा दिए गए थे, लेकिन उस टाइम एक आपको ये भी कह दो लॉ बना था जिसके अकॉर्डिंग कि अगर आपको मेंशन ना हो तो आपने सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से करना है।
ठीक है, यानी कि अगर मेंशन ना हो तो विद रिप्लेसमेंट से ही करना है। अब हम सैंपल्स बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद सैंपल्स बनाने हैं। अब सैंपल्स बनाने का ये होता है, इसका क्या आया साइज 9 आया, इसको हम रेज कर लेते हैं। छोटे से पॉपुलेशन मैंने इसलिए ली मैं ताकि बड़ा सा करके लिखूं तो आपको इजीली नजर आए। इसके सैंपल कितने हैं 6, इसके हैं 9। ये हम लोग बनाते वक्त देखने इतने बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब कैपिटल एन कितना है, 3। स्मॉल एन कितना है, 2। अब आपको यहाँ तक नज़र भी आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र ही नहीं आ रहा, ये कैपिटल एन 3 है, स्मॉल एन हमने रख लिया ये 2 है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या है, 3 है, ये 3 है। आपने वीडियो को बस कंप्लीट देखना है, आपको सैंपल बनाना आ जाएंगे, सैंपल बनाने लगे हैं। ठीक है, पहले आपने विदाउट विद रिप्लेसमेंट से ये सैंपल साइज निकाल लिया, उसके बाद आपने सैंपल बनाने हैं। सैंपल साइज क्या कह रहा है, N2 सैंपल साइज, यानी कि आपने 2 ड्रा निकालने। मैंने कहा था ना कि आपने एक बॉल निकाली फिर दूसरी निकाली, इसी तरह आप फर्ज करें, फर्स्ट ड्रा सेकेंड ड्रा। अगर ये 3 कह दे आपको तो थर्ड ड्रा भी निकालना है। अभी उसका क्वेश्चन नहीं मैं करूंगा, आपको ये बता दूंगा निकालना कैसे है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता नहीं है 3 साइज का। अगर 3 साइज का आ जाए तो पॉपुलेशन बहुत छोटी आती है। अब इसमें क्या करना, फर्स्ट ड्रा में फर्ज करें आपके पास जो बॉल्स थी, फर्ज करें उनके नंबर्स नहीं हैं, एक आपके पास बॉक्स है उसके अंदर ये स्नूकर की बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है जी, इनके मैंने नंबर लगा दिए 2, 4 एंड 6। अब आपने विद रिप्लेसमेंट इधर करनी है, विदाउट इधर करनी है। अब ये आपको हकीकत है पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। फर्ज करें आपने फर्स्ट टाइम ये निकाला, बॉक्स में से एक नंबर निकाला, वो 2 आया, ठीक है जी। अब ये नंबर विद रिप्लेसमेंट से इधर चल रहा है और विद आउट रिप्लेसमेंट से इधर चल रहा है, ठीक है जी, 2 आ गया। फिर हमने इसको रख दिया क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना, फिर रख दिया, फिर दोबारा निकाला, फिर 2 आ गया। 2 ड्रा निकालने थे तो हमारा सैंपल हो गया कंप्लीट, 2 ड्रा निकालने थे सैंपल होगा कंप्लीट। इसी तरह फिर हम सैंपल इसका निकालेंगे, तीनों बॉल्स रख ली, फिर एक निकाली, फर्ज करें 2 आ गई, दूसरी फिर निकाली वो भी 2 आ गया। अब इसको सेकंड टाइम आपने रिपीट तो नहीं करना ना, सैंपल कभी रिपीट नहीं होता, ये आपको बता दूं यहाँ पर। पहली निकाली 2 आ गई, फिर निकाली 2 आ गई, फिर हमने उसको रख देना है, फिर देखना है कि दूसरी कौन सी आ रही, फर्ज करें दूसरी अब आ गई 6 या 4 आ गई, ठीक है जी, ये सैंपल होगा कंप्लीट। इसी तरह हमने फिर निकाली, एक 2 आ गई, दूसरी 6 आ गई। अब यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, नीचे मैंने ऊपर तो शो कर दिया, ठीक है जी, नीचे 2, 6 आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि आपने फर्ज करें फर्स्ट टाइम हाथ डाला बॉक्स के अंदर, साइज 2 ही रखना है, साइज 2 ही रखना है। आपने हाथ डाला, बाल आई सेकंड नंबर, ठीक है जी, हमारा सैंपल साइज कितना रखना है, 2, एक और लेना है। अब हमने इसको वापस नहीं डालना, बॉक्स के अंदर नहीं डालना, अब हमने एक और निकालनी है, और क्या आएगी, क्या और 2 आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ही निकालनी है जो कि हमने निकाल ली है। अब दूसरी बार हाथ डालते हैं, इनमें से कोई आ जाएगी, फर्ज करें 4 आ गई, ठीक है जी, ये एक बार सैंपल आपका मुकम्मल हो गया। दूसरी बार अब इन बॉल्स को बॉक्स में फिर डाल दें, ठीक है जी,
अब आपने निकाली टू, फिर आ गई, एक बार टू आ गई, ठीक है, टू आ गई आपके पास। अब फिर हाथ डाला, फिर आपके पास आ गई सिक्स, ठीक है जी। फोर अगर आ जाए उसको आपने लिखना नहीं है। अब सिक्स भी आ गई है, ठीक है जी। अब इन दोनों बोर्ड को आपने डाल दिया, फिर यानी कि आपने सैंपल इस तरह से इधर बनाने, विदाउट रिप्लेसमेंट से आपने ऐसे बनाने कि कोई चीज़ आपकी रिपीट नहीं होगी। हम इसी मेथड को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है जी। अब आपने जी यहाँ पर टू निकाली एक बार, हो सकता है दूसरी बार भी टू आ जाए क्योंकि हमने विद रिप्लेसमेंट कही है। अब हो सकता है दूसरी बार दो के साथ चार आ जाए आपने, यानी कि एक बार टू लिख लिया ना, उसके बाद एक बार टू लिख लिया, उसके बाद ये डेटा रिपीट करना है इधर। जबकि जब इधर लिखना है, जब आपने फर्स्ट ड्रा से हाथ डाला बॉक्स के अंदर, टू आई, सेकेंड टाइम टू नहीं आएगी, फोर आएगी या सिक्स आएगी। अब आप क्लियरली समझ रहे हैं ना इसको, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ तक हो गया क्लियर? उसके बाद अगला ड्रा निकालते हैं और। फर्ज करें अब सेकंड टाइम आपने निकाला तो फर्स्ट टाइम आ गया आपका फोर, और उसके साथ आ गई टू, फोर के साथ फर्ज करें आ गई फोर, फोर के साथ आ गई सिक्स आ सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा ही होगा। इधर हम अगर फोर निकालते हैं तो फोर के साथ कौन सी आएगी? फोर के साथ टू आ जाएगी या सिक्स आ जाएगी, लेकिन फोर के साथ फोर नहीं आएगी क्योंकि हमने उसे वापस नहीं डाला विदाउट में, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं, फर्स्ट करें फोर है, फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट ड्रा के लिए हाथ डाला फोर है, हो सकता है सेकंड टाइम टू आ जाए, ठीक है, या फोर आ जाए या सिक्स आ जाए। इसी तरह थर्ड टाइम टू आ सकती है, फोर आ सकती है या सिक्स, ठीक है। ये हो गए हमारे क्लियर यहाँ तक। इधर भी हम उसी तरह चल लेते हैं। फर्ज करें फर्स्ट टाइम हमने आठ डाला फोर आ गई, सेकंड टाइम फोर नहीं आएगी, सेकंड टाइम टू आएगी या सिक्स आएगी क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहे हैं। एक अगर ड्रा ये आ जाता है ना तो दूसरा टू आएगा या फोर आएगा। ये अगर आप लाइनें लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन ना ही लगाएं तो बेटर है। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, प्रेफरेबल क्या है, ठीक है। ये लाइनें बेसिकली इसलिए लगाई जा रही हैं, आपको समझाया जा रहा है एक दो क्वेश्चन के अंदर, बाद में आप लोग इनको सिंपली खुद ही कर लेंगे। अब सिक्स फर्स्ट टाइम आ गया, तो फर्स्ट ड्रा हाथ डाला सिक्स आ गया, सेकंड ड्रा में टू आएगा या फोर आएगा। अब आप समझ रहे हैं, समझ चुके होंगे ये। चलिए इधर विद रिप्लेसमेंट और इधर विदाउट, अब हम इसके सैंपल बनाते हैं। अब देखते हैं सैंपल हमारे कितने बनेंगे, इसके क्या नौ ही बनेंगे? इसके सैंपल आपने कैसे बनाने हैं? देखिए इसी तरह बनाने हैं, ये जो लाइनें लगाई हैं, अगर आप ना भी लगाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। टू टू बनेगा एक सैंपल, ये टू ये टू, अब ये टू ये फोर, ये टू सिक्स, ठीक है, ये फोर टू, ये फोर फोर, फोर सिक्स, ठीक है, सिक्स टू, सिक्स फोर और सिक्स सिक्स, ठीक है। इसे सैंपल अब काउंट कर लें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब आपने खुद काउंट करने हैं, क्या ये नौ बन रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे तो नौ बन रहे हैं। अब इसके सिक्स बनने चाहिए, देखते हैं सिक्स बनते हैं सैंपल, बिल्कुल उसी तरह बनाना है, ये टू फोर। आपको ड्रा निकालने आगे ना सैंपल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सैंपल तो डायरेक्ट बनते हैं, ये टू 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 फोर, टू सिक्स, टू सिक्स फोर, टू फोर सिक्स, और ये सिक्स टू एंड सिक्स फोर, ओके हो गया जी। ये सैंपल देखिए कितने बन रहे हैं अब आपके पास, एक दो तीन चार पाँच छः। देखें आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, आपको जब तक सैंपल नहीं बनाना आएगा ना, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है।
अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके लिए सैंपल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सैंपल बनाने में इस वीडियो में बता रहा हूँ, सेकंड वीडियो में मैं सैंपल बनाने नहीं सिखाऊंगा बल्कि डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, हमारा कवर हो गया। ये सैंपल हमने टोटल कर लिए, 6 आए, इसके भी इसके कितने आए, 9 आए। अब बात आ जाती है यहाँ पर सैंपल बनाना, तो बड़ी इजीली हमने बना ली है। ठीक है जी, अब हमें ये ड्रॉज की ज़रूरत तो नहीं है, हमारा काम है बेसिक सैंपल बनाना। ये आप फूल इसका ना ही बनाए तो भी चलेगा। ये प्रेफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रेफरेंस क्या है। इसकी प्रेफरेंस यही है कि आप लोग अगर पेपर को कर लेते हो ऑन टाइम, इनके पेपर आपने टाइमली कर लिया है, तो फिर बेटर है कि आप इनको बना लें। ठीक है, अब स्केल की मदद से, लेकिन इनके कोई नंबर नहीं होते, यानी मैं आपको लाजमी नहीं है, लेकिन ये एक इम्पैक्ट के लिए अगर कर लेंगे तो बेटर है, वरना ये लाजमी नहीं है। अब हमने ये सैंपल तो बना लिया, हमारा काम था बेसिक सैंपल बनाना। ड्रा आपने लाजमी ही निकालना है, ये ड्रा फर्स्ट ड्रा लिखना है। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा फर्स्ट ड्रा सेकंड ड्रा। ठीक है, थर्ड ड्रा के लिए थर्ड ड्रा भी लिखना है। अब इन ड्रा को, ये ड्रा मुझे नहीं चाहिए अभी यहाँ पर। ठीक है, आपने यहाँ लिखे रहने देने ड्रा। उसके बाद बेसिकली बात करते हैं आपके पास जो फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज अब आपको मेनली, ये मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि ये फार्मूलाज आपको नहीं देता, आपको कहता है वेरीफाई दी रिजल्ट, रिजल्ट आपने वेरीफाई करना है। आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, मीन जो है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार के इक्वल ही होता है। ठीक है, सिर्फ दो फार्मूलाज हैं, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है, जो भी है। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस इन दोनों में से कोई सा भी निकाल देना है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन के इक्वल होता है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ अगर विदाउट रिप्लेसमेंट चल रही है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट रिप्लेसमेंट वो इधर चला रहे हैं आप, इसमें क्या है, इसमें भी यही है, सेम है, रिजल्ट यही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो मैंने इसी वीडियो को स्टार्ट में आपको बताया था पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, वो अप्लाई होगा, वो यहाँ पर ही अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ पर। ये कब अप्लाई होगा, जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, यानी ये वाला पार्ट चल रहा होगा। ठीक है, अभी हम इसको प्रूव करेंगे भी, करके भी मैं बताऊंगा। इसको रेज कर देते हैं। सबसे पहले मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन निकालना है। इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मीन निकालना है। इसके दो फार्मूलाज हैं, दो तरीके हैं, एक्स बार आपने लिखना सिंपल, एक तो ये आप कैलकुलेटर से बनाए, ठीक है, वो बहुत ही टाइम लेगा आपका। दूसरा ये अगर आप इसे ज़बानी बना लें तो बेटर होगा। ठीक है, ज़बानी क्या बनाएंगे, ये देखिए दो का ही साइज है ना, एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, दोनों को प्लस करें, 2 + 2 कितने होते हैं, 4, 4 को 2 एन पे डिवाइड करना, स्मॉल एन कितना है, 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, पहला मीन क्या गया, 2। अब इसी तरह 2 + 4 ये आपका रफ अमल है। ठीक है जी, अब आप अगर इसको खुद ही सोचेंगे, वैसे सोच से निकालें, देखें 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 को आपने 2 पे डिवाइड किया, 3 आते हैं, देखिए मैं सिंपली लिख रहा हूँ, 2 और 6 कितने होते हैं, 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आया, 4 + 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 + 6 10, 10 2 डिवाइड 2 बाय करेंगे तो 5 आएगा, 6 + 2 4, 6 + 2 सॉरी 8, 8 को 2 पे डिवाइड करना है, वही काम, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड 2 पे करना है, 4 आएगा, 6 + 4 10 और ये 5 आएगा, 6 + 6 क्या देगा, 6 ही। अब इस डेटा को अगर हम देखे जाएं तो एक सीक्वेंस भी बनाता है, जब आपके पास डेटा सीक्वेंस के साथ आए, फर्ज करें अब यहाँ पर इसको देखें, ये सीक्वेंस है, अगर आपके पास डेटा पेपर में सीक्वेंस में आ जाता है तो ये आप अपने लिए एक गनीमत ही समझेंगे।
ये बहुत बड़ी गनीमत होगी आपके लिए। और आप लोग बेकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत होंगे अगर उसे भी सॉल्व ना कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस ये बनती है जो स्टूडेंट मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं उन्हें भी पता चल जाती है। अब ये सीक्वेंस क्या है ये देखे तो, ये अगर हम एक बार गौर से देखें तो ये हमारे पास इवन नंबर्स का डेटा है, 2 4 6, के पास 2 4 6 8 10 तक आ जाए, जितना मर्जी लंबा आ जाए, अगर आ जाए 1 3 5 7 9, ये भी एक सीक्वेंस है और इसको सॉल्व करने का आपको मज़ा भी आएगा और ये इजी भी है। जब इसका डेटा मैं बेसिकली सॉल्व करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ सैंपल को देखता हूँ, ये 2 के सैंपल थे, ये 4 के सैंपल थे, मैं सोच विचार में ही ये लाइनें लगा देता हूँ, ठीक है, जो यानी कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को भी ये सिखाता हूँ, ये लाइनें फर्ज करें अपने जहन में लगा दें 2 तक। अब इसकी सीक्वेंस में देखें, 2 3 4 बन रहा है मीन। अब इसका मीन जो है 1 टाइम ग्रेटर से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 4 5 3 4 5 आ गया। अब इसका नेक्स्ट टाइम होगा 4 5 6, इसी तरह जितना मर्जी लंबा डेटा हो आप एक सीक्वेंस से भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह और डेटा का भी आ जाएगा, जितना मर्जी बड़ा डेटा हो अगर सीक्वेंस में है तो इससे बड़ी गनीमत आपको कभी नहीं मिल सकती। विदाउट रिप्लेसमेंट में भी मीन निकाल लेते हैं, ये भी मीन उसी तरह से निकालना है आपने। डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, 2 प्लस 4 किया कितना आता है 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 4 प्लस 6 कितना आता है 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 6 प्लस 2 किया तो 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, और इसी तरह 6 प्लस 4, 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5। ये हो गया हमारा डेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। सैंपल बना लिए, सैंपल मीन निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन है, आपने मीन और फिर आपको पेपर में भी मेंशन करेगा मीन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बाहर निकालें फिर उनको वेरीफाई करें। अब एक दो क्वेश्चन वो भी हैं जो आगे हैं आपके लास्ट में हैं इसी भी, उसका भी मैं यहाँ पर ही आपको बता दूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि बार में बार बार मुझे बनाना नहीं पड़ेंगे। आपका 11.4 के जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं प्रेफर करूँगा। ये देखिए 11.4 एक्सरसाइज का 6 का A B पार्ट है, 7 का A B पार्ट है, ये भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पर मीन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार यहाँ तक तो कंप्लीट हमने निकाल लिया। अब जो मीन आपने निकालना और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस, इसके सिर्फ 4 क्वेश्चन है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, और इनके आने के चांसेस कोई 70% होते हैं, और 70% चांसेस की भी बात करें अगर ये 70% इनमें से आ जाता है तो 70% के बाद 90% ये चांस है कि 7 में से ही आएगा, क्योंकि 7 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो विदाउट रिप्लेसमेंट से है, ठीक है, इसमें ऑड इवन डेटा दिया गया, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार तो निकाल दिया, अब आपने मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कहेगा इसे बोलते हैं मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसे बोलते हैं मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस, ये आपने कैसे निकालना है वेरियंस के, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन इधर ही मैं वेरियंस की डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, इसका अगर हम वेरियंस लेना चाहें, वेरियंस कैसे लेंगे, एक तो ये कि फार्मूला से करें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बार बार वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप इतना लेंथी काम करें, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप मीन में से डायरेक्ट देखते ही मीन में से कोई भी सैंपल माइनस करें, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आता है, 0 का स्केयर लेना है, 0 का स्केयर 0 ही होता है। आप वेरियंस इस तरह से निकालेंगे तो बेटर है, वरना अगर आप इस तरह चाहते हैं कि आप फार्मूला अप्लाई करें वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब 3 में से 4 माइनस करें तब भी क्या आएगा, -1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करें तब भी 1 ही आएगा, इसका भी स्केयर लें इसका भी लें आएगा आंसर 1 ही, लेकिन बेटर यही होगा कि आप छोटे सैंपल को माइनस किया करें, आंसर फिर भी सेम ही आना है, बड़े को करना चाहे छोटे को करना है आंसर सेम ही रहना है। 3 में से 2 माइनस किए तो कितना आया 1, 1 का स्केयर लिया 1 ही आएगा। ये वेरियंस की डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं और ये आपके सिर्फ 2 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व होने हैं, और ये ना भी करें तो
60% to 70% चांसेस होते हैं इनके आने के। अब 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आता है, 2। 2 का स्केयर लेना है आपने, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 6 माइनस करेंगे फिर भी 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस के 2 का भी स्केयर लेंगे तो भी 4 ही आना है ना। 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्केयर भी 1 ही है। 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है। 5 में से 6 माइनस करें फिर भी 1 ही आएगा, लेकिन माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्केयर भी 1 ही होता है। 4 माइनस 2 करेंगे 2, 2 का स्केयर 4। 5 माइनस ये आ जाएगा 1, 1 का स्केयर 1 और ये 0। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होगी और उसका आप इसी तरह खुद ही निकाल लें, खुद ही निकाल लीजिएगा इसका भी विदाउट रिप्लेसमेंट आइए। इसका भी इसी तरह से निकाल के देख लेते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। 3 माइनस 2 करेंगे 1, 1 का स्केयर 1। 4 माइनस 2, 2 का स्केयर 4 और ये आ जाएगा इसका 1, 1 का 1। 5 में से 4 माइनस करें 1, 1 का 1। 4 में से 2 करेंगे 2 का 4। 4 में से 5 में से 4 करेंगे तो 1, 1 का स्केयर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आपने सैंपल बना लिए। सैंपल के बाद अब आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली यही डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं मीन की, मीन निकालना भी आसान है। अब यहाँ नेक्स्ट आगे चलते हैं सैंपल की। अब नेक्स्ट हमें ज़रूरत तो नहीं है इसलिए मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। विद रिप्लेसमेंट के लिए इधर कर रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें 2 है डिस्ट्रीब्यूशन, आपने आपने देख लेना है। 2 है 3 है 4 है और क्या है, 5 है 6 है। 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ठीक है जी, इसका भी आपने इसी तरह देख लेना है। मेनली जो आता है आपका मीन का ही आता है। ये वेरिएंस का आप छोड़ भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं अगर इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा और आप नहीं करेंगे तो आ जाए तो पेपर में आ जाए तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बुरा भला के। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन से हम सोल्व इधर करेंगे। इसमें से भी देख लें कौन कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है मीन में। 3 4 5 ठीक है जी। अब आपने साथ इसकी बनानी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपने देखा होगा हम पहले टैली मार्क्स यूज़ करते थे। टैली मार्क्स की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पर बात करें। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज़ रिपीटेड। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है ये फ्रीक्वेंसी ज़ाहर कर रही होती है। मेन फ्रीक्वेंसी का काम होता है कि सामने वाले नंबर को शो करना वो कितनी बार रिपीट हुआ। 2 को देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार। 3 को देखें, 1 2 2 बार रिपीट हुआ। ठीक है, अब 4 को देखें, 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ है। 5 को देखें, ये 2 टाइम रिपीट हुआ है। 6 1 टाइम। अब जो आपका डेटा होता है सीक्वेंस वाला, सीक्वेंस वाले डेटा की एक और आपको खासियत बता देता हूँ। यहाँ पर जब भी सीक्वेंस वाला डेटा आएगा तो उसमें देख लेना हाफ वैल्यू तक सॉल्व कर, क्योंकि डेटा काफ़ी लंबा भी हो जाता है। हाफ वैल्यू क्या है इसकी, ये 2 है 3 है 4 है 5 है 6, इसकी हाफ 4 बनती है। हाफ तक का आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपने जिस तरह ऊपर को थी इसी तरह नीचे को लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। देखिए फर्ज करें आपने हाफ तक सॉल्व कर लिया, 4 कितनी बार आया, 3 टाइम। ठीक है, हाफ तक कर लिया अब हमने, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का हाफ क्या बनेगा, 4 ही बन रहा है ना। अब इसको हम छोड़ दें, अगर ऊपर क्या 2 1 2 1 लिख दें तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ सीक्वेंस डेटा में ही होगा, हर जगह नहीं होगा अप्लाई। ठीक है जी, अब इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करने और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका नंबर ऑफ सैंपल साइज के इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो आप गलत चल रहे हैं, यहाँ से भी चेक हो जाए। इसकी भी फ्रीक्वेंसी चेक कर लें, मीन कितनी बार रिपीट हुआ है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ये बनाने लाजमी है। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 2 टाइम हुआ है। 4 हुआ है, 2 टाइम हुआ है। 5 हुआ है, 2 टाइम हुआ है। ठीक है जी,
अब इनको सम कर लेते हैं। ये विद आउट रिप्लेसमेंट से चल रहा है, ये विद रिप्लेसमेंट से चल रहा है। इनको काउंट कर लें, ये 9 आएगा, ये आएगा 6। देखें तो इसका साइज कितना था, इसका साइज 6 था ना, हमने स्टार्ट में निकाला था, इसका 9 था, ये लिखा हुआ है, ये 9 ही आ गया। हमारा मेनली यहाँ पर काम क्या है, हमारा काम है सिर्फ अप्रूव करना। अप्रूव क्या करना है हमने कि मेन जो है, मेन हमने निकाला है स्टार्ट में ही निकाल दिया था, कितना आया था 4, और ये इक्वल होता है मेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, इसका मेन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, पॉपुलेशन इसको बना के इसका मेन निकाल रहे हैं, और ये इसके इक्वल होता है, हमारा काम ये शो करना है। करते हैं इसको, ये तो हमारे पास है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार निकालना है, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, समीशन ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ के इक्वल होगा, ठीक है जी। अब हमें कॉलम क्या चाहिए, एफ एक्स बार का चाहिए, एफ का है ही हमारे पास, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 3 को 2 से किया 6 आ गया, 4 को 3 से किया 12 आ गया, 5 को 2 से किया 10 आ गया, 6 को 2 से किया 6 आ गया। अब इनको ऐड कर लें, क्या आ रहा है, ये 8, ये हो गया 8 प्लस 12 20 हो गया, 20 प्लस 10 30, 36 हो जाएगा, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ कितना है 9, ठीक है जी। आपको इतना नज़र आ रहा है, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ। 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अभी आप यहाँ पर इसको प्रूव करके देखें, ये कितना आया था हमारा, पॉपुलेशन के डेटा से जो हमने निकाला था वो आया था 4। अभी जो सैंपल के डेटा से हमने निकाला है मीन, वो भी तो 4 आ रहा है, 36 को 9 पे डिवाइड करें तो 4 ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा पहला रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है, और ये किससे हुआ है, विद रिप्लेसमेंट से। इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट से भी करके देख लेते हैं, इसमें वही काम आपने करना है, एफ एक्स बार चाहिए, ठीक है जी। 3 को 2 से किया 6 आ गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया, 5 को 2 से किया 10 आ गया। अब इस सारे को हम कर लेते हैं काउंट, ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है जी। तो उसके बाद इसका मीन हम निकालते हैं, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अगर आपको कई डेटा आपने विदाउट रिप्लेसमेंट से करना है तो इस तरह से करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड एफ ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, एफ एक्स बार कितना है 24, डिवाइड बाय 6 करना है, 24 को 6 पे डिवाइड करें तो भी 4 ही आ रहा है, इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का कितना आया हमारे पास 4। क्या ये 4 इसके इक्वल है, पॉपुलेशन मीन के इक्वल है, पॉपुलेशन मीन हमने लैदा से निकाल रखा है, ये देखिए स्टार्ट में निकाला था, क्या ये जो है इसके इक्वल आया है, हम कहेंगे बिल्कुल ये भी 4 था, ये भी 4 है, वेरीफाइड साथ लिख देना, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर होगा, मैं देख लेता हूँ, यहाँ आपको नीचे नज़र आ रहा है 24 डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये 24 डिवाइड बाई 6 है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने निकाला था स्टार्ट में ही ना, यहाँ पर निकाला था। अब यहाँ आगे बात कर लेते हैं, ये हो गया क्लियर, हमारा मीन आ गया, मेन काम था मीन निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारा काम है इसको वेरीफाई करना, सिर्फ दो चीज़ें हमने वेरीफाई करनी होती हैं, एक होता है मीन, दूसरा होता है वेरियंस, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया के उसका और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसका, ठीक है जी, ये कर लिया वेरीफाई हमने, मीन हो गया हमारा, वेरिएंस रह गया, वेरिएंस को कर लेते हैं अप्लाई। वेरिएंस का वही फार्मूला है, सिर्फ पॉपुलेशन डेटा आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। इसमें से हमें ये कॉलम तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये कॉलम नहीं चाहिए, हमने इसका डेटा लिख लिया, ठीक है जी।
हमने वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार निकालना है। अब आपने सिंपल जो वेरियंस चीजें निकाले होंगे बिल्कुल उसी तरह ये निकालना है। यहाँ पर ग्रुप डेटा का है, समीशन ऑफ एक्स एफ एक्स लिखते थे, यहाँ एफ एक्स बार लिखना है, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ ही लिखते थे वही इधर लिखना है, माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स बार डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ स्क्वायर। ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये सारा डेटा के लिए हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए? एफ एक्स बार का स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए? एफ का चाहिए कॉलम, ये हमारे पास ऑलरेडी है। और ये हमारा कितना आया था? 36। अच्छा, ये समीशन ऑफ एफ एक्स बार है, एफ चाहिए, एफ एक्स बार का वैल्यू ले लेते हैं स्क्वायर। अब फिर देखें आपके पास एफ एक्स बार है, एफ एक्स बार है ऑलरेडी, अगर हम इसको फिर एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? एफ एक्स बार स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, इतना तो निकाल लेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं फिर एक्स बार से तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। टू को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर, थ्री को सिक्स से किया, या आपने एक भी अगर गलत कर दी तो आपका आंसर बाद में गलत ही आएगा। थ्री को सिक्स से किया 18, फोर को 12 से किया 48, फाइव को 10 से किया 50 एंड सिक्स को सिक्स किया 36। अब इसका हम सम ले लेंगे, सम ले लेते हैं, 4 प्लस 18 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 36। ठीक है, ये 156 आ गया। अब यही वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करनी है, 156 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ है 36 माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स बार है आपके पास, तो ये था 9 36, ये 9। ठीक है, ये डेटा लिख लिया। अब डायरेक्ट आप इसे निकाल सकते हैं, 156 को 9 पे डिवाइड किया, 17.33 आ रहा है, और इसका स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है जी, 4 आ जाएगा ना, 36 को 9 पे डिवाइड किया 4, 4 का स्केल लेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1.33 आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक होगा क्लियर। इसी तरह हम पॉपुलेशन का निकाल लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है नीचे। ठीक है, ये 1.33 आएगा। ठीक है जी, अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं पॉपुलेशन का, ये जो हमारे पास विद आउट रिप्लेसमेंट है इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर कर लेते हैं इसको, ये आ गया था हमारा 2, और ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 3 करेंगे 0, और 3 में से 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 में से 2 करेंगे ये भी 1 आ जाएगा, 3 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब दूसरे नंबर पर नेक्स्ट आ जाता है फिर 3, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके पास फिर 3 आ जाता है, फर्ज करें इस तरह अगर सेम आ जाते हैं, अगर इस तरह चल रहे हैं तो भी आपकी मर्जी, ये डेटा इस तरह लिख ले ये उस तरह, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी डेटा आपका सेम ही आएगा। अब यहाँ पर कोशिश यही करेंगे फर्स्ट पॉपुलेशन आप एक साइड पे लिखें, अगर आपको पता चले अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ही लिखा करें, नीचे लिख रहे हैं तो इधर ही लिखा करें, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कई क्वेश्चन में इधर लिखी होती है फर्स्ट पॉपुलेशन और सेकंड इधर, कई में फर्स्ट इधर और सेकंड इधर, और फिर आपको बाद में यही टेंशन होती है कि किसको किस में से माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये 3 आ गया, फिर अब मुझे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल यही रिपीट कर दूंगा। देखें ये 3, ये 2, ये 2, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1। ठीक है,
अब 4 आ गया, 4 में से 0 माइनस किया 4, 1 अच्छा जी, आपने देखा होगा हमने वीडियो पॉज इसलिए कर दी थी कि मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो गई थी कि वॉइस आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही। ठीक है, तो टीम लीडर मुझे कॉल करने लग जाते हैं कि वॉइस आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। उस वक्त वो बैटरी थोड़ी सी लो हो गई थी क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा भी होता है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सिर्फ ये भी देखने आए होंगे कि सर हमें कोई जादू बता देंगे, जादू से हम जल्दी जल्दी कर जाएंगे। ऐसा मेरे पास कोई जादू है नहीं है, करना है कम्प्लीटली। वो मेरे कम्प्लीट लेक्चर देखे या इनको देखे, सिर्फ इनको देखने से ही आपका काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो सकता है। अभी हमने ये क्या निकाला, x1 - x2 निकाले हैं ना, ये वाले, ये x1 था, ये x2 रख के आप जिस तरह से मर्जी रख लें। अब उसके बाद इनको हमने यहाँ पर एंटर करना है। एक तो ये तरीका होता है कि अनग्रुप ग्रुप डेटा को सोल्व करने के दो दो तीन तीन तरीके बनते हैं। अब मैं तीनों तो नहीं यहाँ पर मेंशन करूँगा, कर भी सकता हूँ लेकिन वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट की तरफ भागते हैं। अच्छा जी, x1 x2 किया हमने मैनेज, ये आए। ठीक है, अब इसमें देख रहे कौन कौन सी चीज़ें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले किया। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, 2 है 1 है 0 है, -1 है 0 है, बाकी बस 2 3 3 है 4। ठीक है, तो इसका मतलब -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जी ये आ गया अब हमारे पास। अब इनको काउंट कर लेते हैं। -1 कितनी मरतबा आया है, एक मरतबा, और ये फ्रीक्वेंसी शो करेगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले करते हैं। अब उसके बाद 0 को काउंट करना है, 0 1 2 3 ये 4 5। ठीक है, 5 टाइम है, 5 टाइम आ गए, 0 5 टाइम है, 1 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 मरतबा है एक। उसके बाद 2 देख लें, 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 5 मरतबा है। ठीक है, एक इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 6 मरतबा है। ये आपने ध्यान से काउंट कर लेने, एक भी छोड़ दिया आपका आंसर मैच नहीं करेगा। उसके बाद ये आगे है और ये लेंथी भी होता है क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर लंबा है तो इसमें गलती को ढूंढने के चांसेस भी कम होते हैं, गलती मिलती नहीं है इतनी जल्दी। 3 को देख लें, 1 2 3 4 5 5 मरतबा आया। उसके बाद 4 को देखने, 1 मरतबा आया है। ठीक है जी, अब इन सारे को काउंट कर लेते हैं। ये सारे को काउंट किया कितना आता है, 6 6 एंड 6 12 12 एंड 12 20 24 बन जाएंगे, 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए 30। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर,
ये देख भी लें, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतने ही बनेंगे, 1, 2, 3, 4, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा जी, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10। ये देखें, ये हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 आने थे। 2 कितनी मरतबा है? 8 मरतबा है, तो ये 32 आने टोटल। ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं। आगे हमें क्या चाहिए? हमने दरअसल इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बनी है इतनी सी सारी, इसका मीन निकालना है। इसका मीन कैसे निकालेंगे? मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, ये हमें निकालना है। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर पहले हम x का निकालते थे, तो ये मीन वैसे ही डाल दिया हमने। यहाँ पर हम x का निकालते थे, ठीक है, अब यहाँ पर x1 x2 का निकालना है, x1 माइनस x2 का निकालना है। तो वेरी सिंपल, समीशन ऑफ f इनटू, फर्ज करें ये x है, ठीक है, ये सारा x है, ऐसे ही फर्ज कर लें, समीशन ऑफ f(x) माइनस डिवाइड बाय, सॉरी, समीशन ऑफ f। अब ये कॉलम हमें चाहिए f मल्टीप्लाई बाय दिस, f मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हम बना लेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बनाते हैं, -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, लाते जाएं। 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। अभी सारे को ऐड कर लेता हूँ मैं, सारे को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, ये 12, 12 और 16 हो जाएंगे 28, 28 28 और 19 हो जाएंगे हमारे पास 28, और ये 1 डल जाएगा, 2 डल जाएंगे 30, 30 और 15 हो जाएंगे 45, 47, 47 में से 1 माइनस करेंगे 46 बच जाएंगे, और ये आ जाएगा आपके पास 46/32। ठीक है, मैं इसको काउंट भी कर लेता हूँ ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। -1 + 12 + 16 + 15 + 4, ठीक है, ये 46 ही बन रहे हैं। अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड बाय 32, तो ये आ रहा है 14.4375। ठीक है, यही हमें चाहिए था यहाँ पर। बाकी हमारा डेटा जो है सारा किसी काम का अब नहीं रहा, आपने तो लिखा रहने देना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चलने के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, ये डेटा भी, बल्कि ये डेटा नहीं, हमें रिमूव करना था। अभी ये डेटा मुझे दोबारा लेना पड़ेगा, ये रिमूव कर देते। अभी हमने इस डेटा का वेरिएंस भी निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? बिल्कुल जिस तरह पहले निकालते हैं, पहले हम निकालते थे 1x का, अब 2x है। ठीक है जी, वेरिएंस निकालने, वेरिएंस निकालने के लिए वही फार्मूला, पहले हम क्या करते थे, समीशन ऑफ fx के निकालते थे, अब x की जगह x1 - x2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ f माइनस समीशन ऑफ f ऑफ दिस डिवाइड बाय समीशन ऑफ f टोटल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। यहाँ पर x1 - x2 लिखना है आपने खुद ही। अब ये वैल्यू हमें चाहिए, इसका स्क्वायर 7 चाहिए। यहाँ पर f(x-x1-x2) इसका स्क्वायर चाहिए। अब ये ऑलरेडी हमारे पास है, अगर इसको मैं फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 को -1 से करता हूँ तो 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, ये याद रखना है। 0, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 को 12 से करेंगे 12 आ जाएगा,
टू को 16 से करेंगे 32 आ जाएगा, 3 को 15 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा। अभी सारे को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 45 प्लस 16, तो ये मेरे पास आ रहा है 106। ठीक है जी, ये 106 आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, 106 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ दैट इज 32 माइनस माइनस, आप ऐसे समझ लें मीन का स्क्वायर है ये, डिवाइड बाय ये 46 डिवाइड बाय 32 होगा स्क्वायर। अभी मैं इसको डायरेक्ट ही करता हूँ, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 106 डिवाइड बाय 32 माइनस 1.4375। तो ये मेरे पास आ रहा है 1.246। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास वेरिएंस का आंसर भी आ गया है। अब बस हमने पॉपुलेशंस को काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। पॉपुलेशंस के डेटा में यहाँ पर अब क्या था ये देख लेता हूँ मैं। ठीक है, पॉपुलेशन के सिर्फ मीन हमने निकालना है, इसका मीन निकालेंगे μ1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन करना है, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय ये आ जाएगा एन, कैपिटल कितना है 2 है, ये 3 आ गया। ठीक है जी, समेशन ऑफ एफ एक्स के डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लेते हैं, पहले एक्स लेते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं इसको, ये 16 आ गया, इनको ऐड कर लेते हैं, 20 20 डिवाइड बाय कैपिटल एन है इसका 2 माइनस दिस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन आना, यही लगा लें 6 डिवाइड बाय 2 लगा लें या 3, इसकी जगह लिख सकते हैं आप लोग, 3 आया था ना, 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये 2 करके माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और एक और आपने बात याद रखनी, जब भी आपने वेरिएंस का आंसर निकालना है, वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन, कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, अगर माइनस में आ जाए तो डेटा गलत है या आपका तरीका गलत है या आप गलत तरीके से उसे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये भी आ गया हमारे पास, इसको रहने दें लिखने के लिए, यहाँ पर इसका आंसर ही लिख देते हैं, 1.246 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया अब हमारे पास। अभी हम दूसरी पॉपुलेशन का डेटा देख लेते हैं, दूसरा हमारे पास डेटा क्या था इस वाली पॉपुलेशन का, इस वाली पॉपुलेशन का हमने डेटा क्या रखा था उसे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हमने लिया है जो भी हमारे पास है 0 3 ले लिया हमने, दोबारा मैंने देखकर जो पहले ही हमारे पास था। अब यहाँ पर 0 3 को देख लेते हैं, 0 3 जो है इसके भी बना लेते हैं इस तरह से, ये x2 रख रहे हैं, ये x1 था इसको 2 था रखना था। ठीक है जी, इसका स्केयर भी ले लेंगे 0 एंड 3, इसका सम लेंगे 3 आएगा, स्केयर लेंगे 0, इसका 9 आएगा, 9 प्लस 0 9 आ जाएगा। अब इसका मीन निकाल लेते हैं, मीन μ2 क्या आएगा हमारे पास, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन, समेशन ऑफ एक्स कितना है 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, आई थिंक इतना ही आएगा। जी 0, उसके बाद वेरिएंस 2, ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन होल स्क्वेयर,
एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 9 डिवाइड बाय एन एम आर आर टू माइनस 3/2 का स्क्वायर, 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, माइनस इसका करेंगे स्केल लेंगे 1.5 बन जाएगा, इसका स्केल लेंगे तो 2.25 आ रहा है। अब ये आ जाएगा आपके पास 2.25 आ जाएगा, ठीक है जी। 9 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वेयर, ओके ये इतना ही आ रहा है, ये हो गया हमारा क्लियर इतना सा पार्ट। 2+4, ओके ये हो गया। अब हम रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं, ये स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, ये सिग्मा स्क्वायर 2 जो है ये कितना आया हमारा, 1 आया है, ये कितना है, 1 आया है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स कैसे वेरीफाई करने हैं, ये हमारे मेन मीन एंड वेरिएंस हैं, मेन मीन एंड वेरिएंस जो है ये होगा सेकंड फर्स्ट मीन माइनस सेकंड मीन। अब जो यहाँ पर रखेंगे वही इधर रखना है, अगर यहाँ पर आप एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं, हालांकि ये बुक पर तरीका नहीं है, अगर इस तरीके से भी आप करेंगे वो भी करेक्ट होगा, फिर आपको यहाँ पर भी म्यू टू माइनस म्यू वन रखना पड़ेगा। अब म्यू वन की वैल्यू है हमारे पास 3, माइनस म्यू टू कितना है हमारा 1.5, तो ये आ जाएगी आपके पास 1.5 ही आ जाएगी। ये 1.5 इतना डिफरेंस, ये लगभग करीब ही है, आप कह सकते हैं रिजल्ट्स जो है वो सेम है। अब इसमें हो सकता है हमसे कोई गलती हुई होगी, ठीक है, वैसे आना यही है 1.5 ही ये आना है। अब इसमें हमारे पास कोई गलती हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है, चेंजिंग हुई है, वो मे भी आपके पास करेक्ट आ रहा होगा ये, क्योंकि बिल्कुल वेरीफाइड रिजल्ट आता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन बार एक्स वन माइनस एक्स टू, ये बार में वैसे डाल दी है, बार नहीं डालना है, ये होता है समीशन 1 स्क्वेयर डिवाइड बाय एन, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पहले करते आए हैं। अब पहले क्या होता था, एक वेरिएबल था तो इसको डिवाइड करते थे, अब दो वेरिएबल हैं तो दो को करना है। अब अकॉर्डिंग टू स्टैंड डिवीजन एंड वेरिएंस फार्मूला, यहाँ पर दरमियान में प्लस आती है, उसकी ये वजह है क्योंकि स्टैंड डिवीजन एंड वेरिएंस की अगर दो प्रॉपर्टीज पर आप नज़र दौड़ाएँ तो ये आपके फर्स्ट ईयर में काफ़ी बार आती भी हैं, स्टैंड डिवीजन हो या वेरियंस हो, ठीक है, जब ये ए माइनस बी पर अप्लाई होंगे, ए माइनस बी पर वेरियंस अप्लाई होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। अब ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसी वजह से अब ये वेरियंस भी इसी तरह वेरियंस ऑफ ए प्लस वेरियंस ऑफ बी आना है। अब इसी तरह से ये करेंगे, ये फर्स्ट पॉपुलेशन का, ये सेकंड का, ये फर्स्ट एन वन, ये सेकंड एन टू आ जाएगा, ये करेंगे हम, ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाय एन वन कितना, एन वन है 3, सॉरी एन वन इधर, एन वन है इधर 2, ये हमारा आया था इधर 2.25 डिवाइड बाय एन टू, एन टू है हमारा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे ये आता है हमारा, ये हमने ग्रैंड निकाला था,
पॉपुलेशन में से, सॉरी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी उसमें से निकाला था। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 3, देखें ये कितना आ रहा है, ये 1.25 आ रहा है, ये भी लगभग 1.25 है, इसको 2 डिजिट तक फिक्स करेंगे 1.25 ही आएगा, और ये भी सेम आ रहा है। अब मीन में थोड़ी सी हमसे गलती हुई है यहाँ पर, इसके मीन में, ग्रैंड मीन में, ठीक है, 1 या 2 पॉइंट्स की गलती हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, फर्क भी इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि कोई छोटी मोटी गलती हुई है। ये इसलिए भी हुई है क्योंकि मैं चेक करता हूँ तो वो मुझे तो पता चल जाती है, लेकिन अभी चेक नहीं कर पाया तो गलती रह गई है, और चेक तब भी होगा जब सारा सारा कुछ मेरे पास लिखा हुआ मौजूद होगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास डेटा आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में मीन इसी तरह से निकालना है, और वेरियंस जिस तरह से आप निकालते हैं ग्रैंड टोटल, ठीक है, वैसे तो आप निकालते हैं ऐसे, वेरियंस हो तो दोनों पर स्केयर है, ये निकाला, फिर उसके बाद हमने ये निकाला, ठीक है, इनको प्लस किया है ना। अब जब अनग्रुप डेटा आ जाए, और सॉरी वो आ जाए आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, उसमें आपने सिर्फ यही चेंजिंग करनी, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस वन, इतनी सी चेंजिंग करनी है, और इनके बारे में मज़ीद मैं आपको टिप्स दे दूंगा और आगे करीब जाकर। यहाँ तक होगा क्लियर, ठीक है, फिर आपने सैंपल भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाले मेथड से ही बनाने हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपने ये जो लेसन है मीन एंड वेरियंस का तो कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हमने फाइंड आउट करने हैं प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन पर बात करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 5, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है नेक्स्ट वीडियो में।